जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के हित में वन रैंक वन पेंशन, MSP एंड अदर विसंगतियों को लेकर जो पूर्व सैनिकों का एक महाकुंभ इकट्ठा हो रहा है, उसकी आज एक मैराथन मीटिंग हुई लगभग 3.25 घंटे। और उस मीटिंग में जितने भी संघों के, फ्रंटों के, संस्थाओं के जो डेलीगेट्स थे, प्रेसिडेंट थे, उनके महासचिव थे, सब ने अपने अपने बयान विचार रखे और कुछ लगभग निष्कर्ष के नज़दीक पहुँचे। और उसके लिए 6 जनवरी आने वाली नई साल में एक फिजिकल मीटिंग की घोषणा की गई। ये पूरी कार्रवाई आप लाइव एज इट इज, जैसे जैसे जिसके जो स्टेटमेंट थे वो सारे सुनिए वीडियो में। लेकिन जो विचार पहले अर्जुन सिंह राठौर जी ने रखे, FBA के प्रेसिडेंट ने, वो विचार आपको बाद में सुनने को मिलेंगे। और पहले जितने भी संगठनों के प्रतिनिधि थे उनके विचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले, जो 2023 आपका साल गुजरा वो बहुत अच्छा रहा, और आने वाली साल की शुभकामनाओं के साथ मैं सभी पूर्व सैनिकों को, माता बहनों को, देशवासियों को, सर्विंग और रिटायर्ड अपने जवान भाइयों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। और अब सुनिए इस महाकुंभ के विचार। राठौर सर, आवाज आ रही है? शायद आ नहीं रही उनको। नहीं आ रही सर, इनके नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है। सेंगर साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की कार्रवाई आप संभाले। थैंक यू लोकेंद्र साहब, थैंक यू। इससे पहले जितने भी लोग इसमें महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ लोग ग्राउंड में मूवमेंट करके अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और हमारा विचार है सब एक मंच पे आकर के एक विचारधारा से सब लोग चले। यहां पर कोई संगठन छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बैटरन, कोई रैंक नहीं है, सिपाही हो चाहे जनरल हो, जितना भी हायर पोस्ट हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब बराबर है। हम लोग जब कोई आता है, बैटरन आता है, तो माला उसको डालते हैं। सबसे पहला काम माला उसको पहनाते हैं या कुछ भी हम देते हैं उसको। तो माला का मतलब है हम एक सूत्र में बढ़, आप भी एक मेंबर बने हमारे साथ, उसी माला के एक हिस्सा बने, जो कि हम अपने विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी की विचारधारा दूसरे तरह की हो, गर्म सिस्टम की हो, किसी की नर्म हो, किसी की, तो इस जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व एक ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र देखे कि हम वेटरन हैं। हमारे मूवमेंट ऐसे होना चाहिए कि पूरे राष्ट्र हमें सराहना करे कि इन्होंने जब तक सेना में रहे, एक लंबे समय तक रहे, देश की रक्षा की, वहां कोई जाति धर्म नहीं। ट्रांजिट कैंप में एक थाली में सब रोटी खा जाते थे। जब हम ऑपरेशन में जाते हैं, अंबूज पेट्रोल में जाते हैं, तो वहां पर अगर किसी कोई इंजर्ड होता है, किसी को गोली लगती है, सब मिलके एक साथ जी जान लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा RR वगैरह में, अगर एक आतंकवादी ने, अगर हम, हमारा आदमी, कोई बंदा एक भी शहीद हो जाता है तो हम 10 को मार के लाते हैं। ये हमारी क्षमता है अपनी जान की परवाह न करके, ये हमारे अंदर देश भावना है। आज हम बॉर्डर से निकल के समाज के अंदर बैठे हैं और सबको मालूम है हमारा व्यक्तित्व बहुत ही गुड पर्सनैलिटी है हमारा, बहुत ही हर समस्याओं से जूझ के हम निकले हुए हैं। लेकिन सोसाइटी में रहने के लिए हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में संख्या बल चाहिए, आपका सम्मान नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम अलग अलग छोटे छोटे संगठनों में बैठे रहें और आप चाहें कि आपकी प्रॉब्लम हल हो जाए, कभी नहीं हो सकती है। सबकी विचारधाराएं अलग अलग चलती रहती हैं, इसलिए हमारी ये कोशिश होती है जितने भी संगठन दूर दराज बैठे हुए हैं उनको ये जानकारी मिले कि हमारा सम्मान गिरता जा रहा है। कुछ समय बाद आपका नामो निशान खत्म होगा,
ना कोई शहीद का सम्मान होगा, ना कोई शहीद होगा, सब सिविलियन हो जाएंगे, सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जितना भी सेना है। तो मैं चाहता हूं सिविल कॉन्ट्रैक्ट होने से आपके परिवार का सम्मान, परिवार की देखभाल कुछ नहीं हो सकती है, इसलिए लोकतंत्र में हमें एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के और सरकार को ये चेताना है, सरकार को ये समझाना है कि हमारा सम्मान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना एक सम्मान चाहिए, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, उसकी मुहिम हम लड़ते हैं। अभी हम यहीं पे अपनी बात को रोकते हुए कि हमारे बड़े भाई ज्वाइन कर गए हैं, मैं चाहूंगा इस क्रिया को, इस काम को अर्जुन सिंह जी अपने हाथ में लें और आगे चलाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सेंगर सर। लोकेंद्र साहब, अभी एक एसोसिएशन के जो हेड है उनके व्यू ले लीजिए कि भाई आगे का अभी जो है नेक्स्ट मीटिंग कब कहाँ करना और इस कॉमन मीनिंग में प्रोग्राम फोकस रखा जाए। ओके थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं सेंगर साहब से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें सर प्लीज। अभी चरण सिंह साहब आप मेरी तरफ से लीजिए, इंडियन वेटरन्स की तरफ से चरण सिंह साहब प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। आज जूम मीटिंग में जितने भी योद्धा जुड़े हुए हैं, जो भी हेड हैं, जिस भी प्रदेश के, जिस भी संगठन के, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और 2023 के साल का आखिरी दिन सबको मुबारक हो, क्योंकि कल से एक दिन के बाद हमारा नया एक सवेरा होने को जा रहा है और सबको बहुत बहुत कामयाबी दे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से चेहरे ऐसे हैं दादूकेला साहब जुड़े हुए हैं, देखो साउथ से, जो मेरे को नहीं जानते, मैं एक अपना छोटा सा पिक्चर दे देता हूं। मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। साथियों सभी को सबसे पहले तो मैंने कल भी मीटिंग किया है और मैंने एक वादा किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से भी और एफए के अध्यक्ष साहब से भी, सीपी सिंह साहब से भी, सबको मैंने शेयर किया था, रावत साहब से भी, कि मैं एक मीटिंग करूंगा, उसके बाद ही मैं डिसीजन बताऊंगा अब जूम मीटिंग। इसलिए मैंने जल्दी में आज की मीटिंग करवाया था, जूम मीटिंग मैंने सुजित किया था कि संडे को ही जूम मीटिंग करें, क्योंकि मंडे से तो नया साल शुरू हो जाएगा और हम चाहते हैं कि नए साल के पहले सप्ताह के अंदर एक फाइनल डिसीजन लिया जाए, फिजिकल मीटिंग ली जाए और एक जो भी हम संगठन तैयार करें, जो भी हम मोर्चा तैयार करें, उसका गठन कर दिया जाए और जो जो बड़े संगठन हैं उनके हेडों से बात करें, एक फिजिकल मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाएं और सबसे विचार विमर्श करके सभी के विचार सुने, उसके ऊपर मंथन करें और एक निष्कर्ष निकाल कर बिल्कुल अपनी गाइडलाइन तैयार करें और एक झंडा एक डंडा ना, हम इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होंगे वहां पे, ना कोई और, जो भी फ्रंट तैयार होगा उसका अलग से लोगो अलग से झंडा तैयार किया जाए, जिससे कोई अपने आप को ये ना समझे अब मैं तो इस संगठन का हूं और मैं इस फ्रंट में काम कर रहा हूं तो मैं अपनी पहचान अलग से रखू नहीं। जब उस फ्रंट की कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी कॉल होती है, वहां केवल फ्रंट ही दिखाई देना चाहिए, बाकी हम सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। जो फ्रंट को संख्या बल देना है, वहां संख्या बल केवल फ्रंट का दिखाई देना चाहिए, ना कि अलग अलग। दूसरा, मैं अपना छोटे शब्दों में अपनी बात को पूरा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मेरे को जिम्मेवारी दी है संगठन की तरफ से बोलने के लिए। साहब एक मैं आपको नाम सुझाव दूंगा, तो हमारा जो फ्रंट तैयार होगा, हमने उनका एक और नाम तैयार किया है, उसको भी शामिल किया जाए, सबकी सहमति से जो भी नाम बात किया जाएगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा संख्या में मोहर लगेगी, वही नाम फ्रंट का होना चाहिए। वो नाम है संयुक्त पूर्व सैनिक एवं वीर नारी कल्याण मोर्चा, संयुक्त पूर्व सैनिक एवं वीर नारी कल्याण मोर्चा।
जो हमारी सैनिक भाषा में अच्छा लगता है और एक संदेश भी अच्छा जाएगा इससे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, संयुक्त गौरव सैनिक एवं वीर नारी कल्याण मोर्चा, जो कि हम अपने किसी पूर्व सैनिक परिवार वीर नारियों के कल्याण के काम में लगेंगे, ये नाम थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है। बाकी यही मेरे विचार थे और मैंने जो अपनी मीटिंग की है आपके पास, मैंने अपने भेज भी दिया था प्रेस नोट और अपने विचार भेज दिए थे, और लेकिन जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष निकालें। जैसे कि अभी बोल रहे थे, जिन लोगों के विचार नहीं मिलते, मान लो एक संगठन है जिन लोगों के विचार नहीं लगते, देखो इसमें ये मेरी निजी राय है और मेरी सलाह समझ लेते हैं, उनको अलग कर दें। अगर मान लें हमारे साथ 50,000 आदमी है और कोई 5 ऐसे आदमी है जिनके विचार हमारे से नहीं मिलते या उनके विचार अलग होते हैं, उनसे बातचीत ना करें, लेकिन उनके साथ जो अच्छे बुद्धिजीवी जो दिग्गज हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे बात जरूर करें, क्योंकि ये हमारी सभी भारतवर्ष के पुरुष सैनिकों की एकता की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऐसे पुरुष सैनिक हैं जिनके साथ 50 आदमी हैं, अगर 5 निकम्मे हैं तो सभी निकम्मे नहीं हो जाते हैं। तो जैसे हमारे देशी भाषा में हरियाणवी में बोलते हैं, अगर अनाज को भी खाना है तो उसको भी छानना पड़ता है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिससे किसी को ये महसूस ना हो कि हमारे को तो पूछता ही नहीं कोई। सबसे बातचीत अवश्य करें, अगर किसी से बातचीत करनी है, आप समझते हो कि किसके कहने से, तो मेरे को उसका कॉन्टेक्ट नंबर दें, हम उनसे जरूर संपर्क करेंगे। मैं अपने उनसे बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू चरण सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने पूर्व सैनिकों से अनुरोध करूंगा कि माइक सिर्फ वही अनम्यूट रखें जो स्पीच दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बाकी सब अपना अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। अगले मैं अनुरोध करता हूं जय हिंद फाउंडेशन जम्मू से तरसीम जी से, कि तरसीम जी आप अपने विचार रखें प्लीज। जय हिंद सर, जय हिंद सभी साथियों को। जैसे पहले तो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो पता ही नहीं चला, मैं फ़ोन ऑफ किया हुआ था रात को, तो अभी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी जैसा भी बोला है हमारे अर्जुन सिंह साहब ने, तो बहुत ही अच्छा बोला, मैंने पूरा सुन लिया है, काफ़ी इन डिटेल उन्होंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाली होंगी। अगर फिर भी कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अभी मलिक साहब ने जो बताया है, सभी अपने अपने जो राय दी हैं, सभी अच्छे लोग हैं, अच्छे संगठन की मतलब के चलाने में सक्षम हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी महासंघ बन रहा है, और अगले साल मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत अच्छा लीड करेगा, लेकिन स्टार्टअप तो करें, फिर देखेंगे आस्ता आस्ता जो भी हमारे भाई और भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़ेंगे, सभी अच्छे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से वो पहल तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं हम लोग सभी मिल करके कुछ ना कुछ पहल करें, तो बाकी कारबा जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे ही भाई हैं आगे पीछे जितने भी हैं और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। जैसे अर्जुन सिंह साहब ने बोला, तो बाकी जो नीति बनेगी, नीति तो मैंने पहले ही बोला है कि जो भी हमारा पूरा समर्थन होगा उसमें हम लोग जो भी काल मिलेगी चाहे जो भी कुछ होगा, तो हम जम्मू कश्मीर में जितना होगा जो भी एक्टिविटी होगी वो हम लोग करेंगे, करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो साइलेंस हो रखा है, जो विजन जो हमारा मिशन चल रहा था वो साइलेंस है, लेकिन उसको अभी फिर एक बार नए साल में उसको गति मिले, तो बाकी देखेंगे आस्ते आस्ते जैसे जो भी आदेश होगा वो सिर मथे। बाकी चहन जय भारत। थैंक यू तरसीम साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा देशवा के एडवोकेट सीपी सिंह साहब से कि वो अपने विचार रखें। सर
सीपी सिंह साहब, पहले आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक म्यूट है प्लीज सर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सैल्यूट। सीपी सिंह, एडवोकेट, अध्यक्ष दिल्ली एक्सर्विसमैन एसोसिएशन। मैं आप सभी को नमन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी पहल की है और राठौर साहब को और लोकेंद्र साहब को तो मैं सलूट करता हूं। सबसे पहले आज जो मीटिंग में आ गए थे वो, मेरे पास राठौर साहब का भी फोन आया था और लोकेंद्र साहब से भी बात हुई, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। और जो हमारे महानुभाव आज छुट्टी के दिन सारा काम छोड़ के आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, सभी को फिर से शुभकामनाएं। कारवा चलता रहना चाहिए, प्रयास जारी रहना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता अवश्य मिलेगी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं ये जरूर अपने विचार रखना चाहूंगा, बहुत जल्दी ना की जाए, ऐसा ना हो बहुत जल्दी में हमने किला बना दिया और किला की नींव कमजोर रह गई। चिंतन करते रहिए, मंथन करते रहिए और अगली अगर मीटिंग दिल्ली में होती है तो मुझे मौका दिया जाए, मैं वेन्यू फिर से प्रोवाइड करूंगा। अगर आप सब लोग सहमत होंगे, एग्री होंगे, मुझे मौका देना अगर दिल्ली में फिजिकल मीटिंग होती है। दूसरे, कल शाम मुझे राठौर साहब का मेल मिला था, आज इन्होंने पढ़कर भी सुनाए। मैं आज सभी अपने जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं सबको मेल भेज दूंगा, कुछ की मेल आ गई हैं, कुछ के मेल आईडी आने बाकी है। देश में हमेशा से सभी संस्थाओं के साथ में रही है, सबको सहयोग दिया है, आगे भी हम देते रहेंगे और मैं अपनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ लगातार संपर्क में हूं, उनसे डिस्कस कर रहा हूं भाई इसके इंस आउट्स प्रोस कौन, कितने फायदे होंगे, कितने ज्यादा फायदे होंगे मुझे तुरंत बताए, सो दैट देश में निर्णय ले सके। और मैं एक नाम सुझाना चाहूंगा, वैसे नाम अच्छा है जो हमारा दिग्गज वीर नारी महासंघ, अच्छा नाम, अच्छा संदेश है। लेकिन अभी जैसे अपने एक नाम संयुक्त पूर्व सैनिक है वीरांगना कल्याण मोर्चा, इसमें भी अच्छा संदेश जा रहा है। लेकिन मैं भी एक नाम देना चाहता हूं जो हमारी समिति है, निर्णायक समिति, उस पर भी मंथन करे, क्योंकि नाम में एक ताकत होनी चाहिए, नाम से एक संदेश जाना चाहिए, उसमें राष्ट्रीयता भी हो, सैनिक पूर्व सैनिक भी हो और उसमें ताकत भी हो। और ये नाम है राष्ट्रीय सैनिक शक्ति, राष्ट्रीय पूरा देश का ये प्रतिनिधित्व करेगी, सैनिक पूर्व सैनिक, क्योंकि हम सैनिक भी हैं और पूर्व सैनिक भी हैं, और शक्ति यानी एक ताकत, तो राष्ट्रीय सैनिक शक्ति एक नाम है। दूसरा नाम है भारतीय सैनिक शक्ति, मैं चाहूंगा लोकेंद्र जी और राठौर साहब ये नाम लिख लीजिए, रिपीट करता हूं, राष्ट्रीय सैनिक शक्ति या भारतीय सैनिक शक्ति, और अगर विचार मंथन होगा तो कृपया इस पर भी विचार कर लीजिए। और बस ज्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद देता हूं, मुझे भी बोलने का मौका मिला, सैल्यूट, थैंक यू। लोकेंद्र साहब जस्ट ए मिनट, सीपी सिंह साहब आपसे एक मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज आप एडवोकेट हैं, मैं आपको गाइड करूं तो दीपक को उजाला दिखाने वाली बात हो जाएगी, माफी चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय और जो सैनिक शब्द है ना सर, इसके लिए शायद आजकल प्रॉब्लम है, क्योंकि सैनिक इन द सर्विस पर्सनल से जुड़ा हुआ है और भारतीय और राजस्थान हरियाणा आजकल इन नामों से रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए शायद ऑब्जेक्शन होता है, तो प्लीज इस पे आप थोड़ा सा एक विचार कर लें सर। और बाकी बहुत अच्छे नाम दिया आपने, थैंक यू, थैंक यू सर, बिल्कुल विचार करके पुणे हम सबमिट करेंगे, विचार करके पुणे सबमिट करेंगे, धन्यवाद सर। राइट सर, थैंक यू सीपी सिंह साहब, राठौर साहब, यही मैं भी कहना चाहता था कि कुछ शब्दावली है जो आजकल रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब मैं अगले जो हमारे संगठन है एक्सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन के नंदन रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। नंदन रावत जी सर, जय हिंद सर, सभी को मैं प्रणाम करता हूं।
ज्यादा सभी का नाम न लेते हुए, बहुत समय कम हुआ, समय बहुत देर से जुड़े हुए हैं, सभी से मैं ये निवेदन करूंगा केवल पॉइंट पर पॉइंट भी पर बात करेंगे और बाकी वो नहीं है, बहुत लंबी खींचने से ज्यादा लंबा समय मिलता है। तो मैं इस पे लास्ट में ये आऊंगा, लास्ट में मैंने बोला था कि मैं दिल्ली में करूँगा आप ये उसको, तो मैंने राठौर साहब से बात किया एक पार्टी के ऑफिस में करेंगे, बोला नहीं वो तो ठीक है। तो उसके बाद दूसरा मैंने एक जहां पर लास्ट टाइम पर सीपी सिंह साहब ने किया, उसके ठीक सामने एडवोकेट साहब मेरे मित्र हैं, तो उनके ऑफिस में करने के लिए मैंने कहा मैं राजी हूं, और जो भी बात होगी वो फिजिकल मीटिंग में हो जाएगी और ज्यादा लंबी समय इसमें नहीं हो, और जल्दी से जल्दी करें कि ये मीटिंग जल्दी करने के बाद आगे की कार्रवाई करें। जैसे कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं पीछे से कि ये हो गया वो हो गया, तो इसके लिए भी आप फैसला ले लो, नहीं करेंगे तो एक थोड़ा सा वो भी पॉजिटिव वे में ले लेना चाहिए, सभी चीज को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, कोई बात हमारे जिससे पीछे क्या हुआ कैसा हुआ छोड़ो। और दूसरी बात जो हमारे आईटी बहुत कमजोर है, आईटी मेरे एक ही पॉइंट है, आईटी कमजोर होने से हम बदनाम हो रहे हैं, आईटी बहुत ज्यादा चाहिए, सबसे बड़ी चीज है इसमें हमारे से ज्यादा आईटी, एक बार दूसरा आदमी कमेंट कर देता है वहां पर, मैं व्हाट्सएप में कल बंद करना पड़ा मेरे को व्हाट्सएप, अब मैंने भी एक छोटा सा वीडियो निकाली तो उसमें भी कई लोग मेरे को फोन कर देते हैं, कई लोग वो करते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे में इस प्रकार से दबाना चाह रहे होंगे। छोड़ो इन बातों को पीछे नहीं जाते हुए, और आप लोग ये चीज का आप, मैं सभी से निवेदन कर दूंगा कम शब्दों में ज्यादा वो करें, धन्यवाद। मैं सबके आपकी जो पॉइंट है जो सीपी सिंह साहब ने जो नाम बताया है उसमें भी मैं हूँ, और जो भी है जो भी नाम आप सब लोग जो मिलके वो नाम करेंगे, देशभक्ति के नाम पर हमारे लोग सैनिक है उसके नाम पर कोई से भी नाम है, नाम अच्छा हो वो बढ़िया है, सभी मेरे से सब सीनियर और सब तजुर्बेकार है, मैं उन सबका आपका सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद। थैंक यू नंदन साहब। सर वेन्यू के लिए लोकेंद्र साहब जस्ट ए मिनट, वेन्यू के लिए सीपी सिंह साहब भी ऑफर दे रहे हैं, आप भी ऑफर दे रहे हैं, आप दोनों एक एरिया में रहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप दोनों फाइनल करके हमें कल तक बता देंगे। सर सीनियर सीपी सिंह साहब मेरे से सीनियर है, अगर वो जैसे बोल देंगे मैं आदेश कर देंगे मैं वो ऑर्डर ओके सॉरी ये सर हम आप दोनों पे इस चीज के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। ओके सर ठीक है, सीपी सिंह साहब न्यूज प्रोग्राम में जो सर हम आपस में बात करके आपको बता देंगे, सर आपस में बात करके आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ लोकेंद्र साहब प्रोसीड। थैंक यू नंदन रावत साहब और सीपी सिंह साहब, ये बड़ी हमारे पूर्व सैनिकों की ये बड़ी महानता है और विशेषकर हमारे हिंदुस्तान की ये महानता है कि हम एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं कि नंदन रावत साहब सीपी सिंह साहब के पास सम्मान के लिए बोले और सीपी सिंह साहब नंदन रावत जी से बोले, हम आपस में करके बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के लिए। दूसरा अब मैं अनुरोध क्या करूँगा, पहले तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमार की तरफ से फ्रॉम द बिगनिंग हमारे साथी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए, 4-5 बार उनका फोन भी आया है तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, वो हमारी इसको ऑनलाइन देख रहे हो तो, नहीं तो मैं उनको अपडेट दे दूंगा और बाद में फिर उनको इसके बारे में इससे विशेषकर बता दूंगा कि कैसे आगे से जुड़ सकते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूँ वेटर्न ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली से हमारे कैप्टन एससी पाठक साहब है कि वो अपने विचार रखें। पाठक साहब प्लीज वेलकम। जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सबसे पहले आने वाले 2024 की मैं हार्दिक शुभकामना सबको देता हूं और ये जो संगठन बनेगा उसके मूल रूप से आगे बढ़ने और इसको इस कार्य रूप में आगे चलाने में समर्थ हो, ऐसी मेरी शुभकामना हो। जैसा अभी सीपी सिंह साहब बता रहे थे तो दिल्ली से ही हम भी हैं, हम भी सीपी सिंह साहब के साथ हैं और जो भी साहब हमसे मदद चाहेंगे हम इस संगठन के लिए पूरी ताकत से अपनी मजबूती के लिए अपना सहयोग देंगे। जैसा हम सिंगर साहब से कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक अपने नजफगढ़ में भी एसोसिएशन प्रताप इनका प्रसाद साहब का चल रहा था, साहब को मालूम है, सीपी सिंह साहब को भी मालूम है, तो क्या मैं उनसे गुजारिश करके इस संस्था में जोड़ने का प्रयास करूं? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सीपी सिंह साहब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राठौर साहब मैं भी कहना चाह रहा था जेएन प्रसाद जी वेटरन्स हैं और बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं नजफगढ़ में, साल में 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं वो, सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड
एंड एयर बैटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी बुलाते रहे हैं और हम सबको बुलाते हैं, मेयर पाठक साहब भी आते जाते रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव है, सुझाव है। मैं चाहता हूँ अर्जुन सिंह साहब से इनको अनुमति दी जाए, पाठक साहब से उनको भी जोड़ा जाए, फ्लाई लेफ्टिनेंट जेएन जनार्दन प्रसाद जी। सर मेरी उनसे बातचीत हुई थी कुछ टाइम पहले। अच्छा। और एडवोकेट बीबी वैष्णव साहब ने मुझे बताया था, उनसे बात भी हुई थी, तो वो ये कहते हैं कि मेरी संस्था कोई नहीं है, हालांकि उनका जो होल्ड कह लीजिए या उनका जो रिलेशन है बहुत लोगों के साथ में है। तो ठीक है सर, पाठक साहब आप भी बात करें और मैं भी बात करूंगा और नेक्स्ट मीटिंग में उनको भी इन्वाइट करें अपन। धन्यवाद राठौर साहब, थैंक यू सर, आपने इजाजत दिया हम उनसे बात करके और इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा सर ये समिति के बारे में जो नाम सुझाए गए हैं सीपी सिंह साहब ने बताया, अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखिए, बहुत अच्छा नाम, अच्छा लगा, और शॉर्ट में है, छोटे में है, बहुत अच्छा है। अगर टेक्निकल ना हो तो इसको सुझाव मेरी तरफ से भी अच्छा है। और नेक्स्ट सर जो हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी संस्था की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनसे भी मैं संपर्क में हूँ और जो भी डिसीजन आएगा मैं बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी इसको अपने संस्था के माध्यम से और अपने सहयोग के बारे में आप सबको सूचित करूंगा। नेक्स्ट बात सर, जैसे जो ये फंड की बात कह रहे थे, तो फंड में भी इसमें एक रेगुलराइज किया जाए, जैसे हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो किस रूप में और कितना पर मंथ या इंडिविजुअल डोनेशन, ये भी उसमें लिया जाए कि किस तरह से इसको, क्योंकि आगे जो हम अपनी कोई भी योजना बनाते हैं तो उसमें फंड तो बहुत जरूरी होगा, तो फंड के बारे में भी एक क्लियर डायरेक्शन इसमें आना चाहिए। जैसे साहब ने बताया, राठौर साहब ने, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि हर एक ऊपर एक इंडिविजुअल डालना चाहिए कि नहीं, इस तरह का आप फंड का सबमिशन होना चाहिए। और इसके साथ जो भी आप सब आगे सुझाव दे रहे हैं, जैसे राठौर साहब ने बताया, बहुत अच्छे मेहनत किए हैं और इनसे मेहनत में सब चीज को लागू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे साहब लोग सुझाव दे रहे हैं और मेरा भी जो सुझाव है, इसके साथ मैं सबके साथ सहमति दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साहब, थैंक यू पटेल साहब। यस लोकेंद्र साहब, लोकेंद्र साहब से थोड़ा आउट हो गए हैं, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब से कैप्टन गुलाब सिंह सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी को पहले तो आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं। हमारी चेष्टा है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक और हमारे परिवार, हमारे फैमिली, बच्चे जो हमारे से संबंधित हैं, उनके लिए यह नया साल बहुत शुभकामनाएं लेकर आए। और मैं सर, जो हमारे आईबीओ के हमारे चीफ हैं जोगिंदर सिंह सेंगर साहब, मैं इनके पॉइंटों से बहुत ज्यादा सहमत हूं और ठौर साहब के पॉइंटों से, क्योंकि मीटिंग काफी लंबी हो चुकी है, काफी लोग बोलने वाले हैं, तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है सर कि जो आपने विधि और विधान जो बनाया है संयुक्त जवान मोर्चे का और पूरे महासंघ का, हमारे लिए जो भी आपका संदेश होगा ओ, हम उसको पूरी तरह से मानेंगे। कहीं पर भी कॉल होगी, कोई पर कहीं पर भी कोई प्रोग्राम रखना, तो उसको रखने से पहले एक बार उसको जनरलाइज उसको सभी को बता दिया जाए, ताकि सभी पूरी तैयारी के साथ आए। और रही बात फंड की सर, फंड को आप जितना भी चाहोगे वो आपको मिलेगा, कोई किसी तरीके से पंजाब की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते यही के पैसे के लिए लोग और संगठन बदनाम हो जाते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखा जाए कि हम पैसे के चक्कर में आकर के हम अपना जो मुद्दा है, जो हमारा मूलभूत हमारा सिद्धांत है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं हम उसको ना भूल जाएं, तो वो हमारा चलता रहना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन मकसद पैसा इकट्ठा करना, या कोई अपना संगठन बनाना, या प्रेजिडेंट बनना, या प्रधान बनना, वो हमारी चेष्टा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और हमारा समाज के अंदर एक सम्मान है, तो सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और हम सभी इकट्ठे होकर के, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि जब तक एक एक लड़ी एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी तो हम पूरे ताकतवर होते जाएंगे। और जितने भी छोटे संगठन हैं, हमने किसी को भी नाराज नहीं करना,
जितना इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, जितना हम लोकली पर्सनली तौर से उन लोगों के पास संपर्क कर सकते हैं जो गांव लेवल की समितियां बनी हुई है, जो स्टेट लेवल की बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनी हुई है, उन सब तक हमारी आवाज जानी चाहिए। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो कैप्टन लुकिंदर सिंह साहब है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, हम इनकी हर वीडियो को देखते हैं, क्योंकि AIT और IT का जमाना है, तो इसके तहत हमारी आवाज है जो हर लास्ट जो गली कुच्चे में रहने वाला हमारा भूतपूर्व सैनिक का जो एक वीर नारी है, वहां तक हमारी आवाज जानी चाहिए। तो जब तक हमारा AI और IT हमारा अच्छा नहीं होएगा, मेरे को लगता है हमारी आवाज वहां तक नहीं जा पाएगी। तो हमने अपनी कार्यों के साथ साथ हमने अपनी आवाज को भी बुलंद करना है, और उस आवाज को हर जन तक, चाहे वो वीर नारी है, चाहे भूतपूर्व सैनिक है, चाहे वो किसी भी गली कूचे में लास्ट एंड पर रह रहा, तो हमारी लास्ट लाइन में जो रह रहा बंदा, वहां तक हमारी आवाज है जो जानी चाहिए। और इसके लिए भले ही हमें कुछ खर्च करना पड़े, तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जो भी आप डिसीजन लोगे हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू गुलाब सिंह साहब। थैंक यू। अभी अपने गुलाब सिंह साहब ने विचार रखे, जो कि संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब से हैं। सर के बहुत अच्छे विचार थे, हमको लास्ट अपने पूर्व सैनिक तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कही सर ने। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन UP श्री राम शिव हरे जी से कि वो अपने विचार रखें। श्री राम शिव हरे जी अभी शायद हमारे साथ इस वक्त नहीं है, तो अब मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हैं, जैसे चीफ जय हिंद की तरफ से जुड़े हैं साथी, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज वो भी आप अपने विचार रखें। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, आपका माइक। इस मीटिंग का माननीय अध्यक्ष और सभी साहिबानों को केरल की तरफ से मैं शिवा मैक्रो जय हिंद संगठन का प्रेसिडेंट और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन वेटरन एसोसिएशन उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और मेरा सबसे पहले आप लोगों को नया साल का जो शुभकामनाएं, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा ये फौज छोड़ के आने के बाद थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर है, इसमें कोई भी कमी पेशी हुआ तो माफ कर लेना। जो भी हम अपना जो संघर्ष के साथ दिल्ली में 12 दिन आए थे दो बार, और अपना अर्जुन सिंह राठौर साहब को जो प्रधान बनाने के लिए वहां पर जो NDT तिवारी हॉल में जो आए थे उसमें भी भाग लिए हैं, तो वो बात पुराना है, लेकिन अभी की बात यह है कि हमारा जो 28 लाखों जो भी है सैनिक वीर सैनियों को और उनके जो है 7.5 लाख जो वीर नारियों का जो कल्याण के लिए है, जो कुछ हमसे हो सके वो केरल से जो भी हमारी तरफ से जो करना है वो आप लोगों का साथ हमेशा रहेगा और आपको साथ ही रहेंगे। और आगे बात यही है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो भी जितना अपना जो भाई लोग जो सहयोग दे रहा है, इतना सहयोग तो इधर वैसे मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कई सालों से उसी कोशिश में हूं, और हम आगे भी मतलब है यही विचार रखते हैं कि दुनिया जो अपने जो भाई लोग उनको जो है दुनिया के बारे में जो अभी जो हमारा ORP 2 का अंदर जो भी संगतियां हुआ है उसका बारे में जानने के बाद वो लोग इकट्ठा होने लगे हैं, तो उनका जो है इसी माहौल में उनका सभी को साथ लेके हमारा जो है ये संयुक्त मोर्चा का जो भी कार्यक्रम जो भी धरना है जो भी आगे के बढ़ने के लिए कोई भी कोशिश है उसको हम सपोर्ट देंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो संयुक्त मोर्चा की बात किया है तो हम भी हमारा दिल में अंदर एक नाम आया था अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिवार शक्ति, जो अभी अपना जो है ऊपर साहब ने जो बताया था उनका साथ मिले जुले हैं, अगर
अखिल भारतीय मतलब जो है ऑल इंडिया का आ गया पूर्व सैनिक परिवार शक्ति, उसका अंदर जो है अपना वीर नारियों का भी मतलब जो है आ गए हैं। अगर कुछ उसमें ले सकता है, कोई भी पद उसको ले सकता है तो अच्छी बात होगी। बाकी हमारी तरफ से जो भी धरना है, जो भी मतलब जो है, जो भी कुछ बातें हुआ है, उनका अंदर जितना जोड़ सकते हैं हम यहाँ से आकर के आप लोगों के साथ पूरा सपोर्ट दे करके रहेंगे। बस आगे की तरफ जो भी है, जो एक और छोटी सी बात है कि ये सबका वाले का साथ दूर ना रहे, उनको थोड़ा समझा करके उसमें जो है भाई बहुत अच्छे जो वर्मा साहब जी से जो है उसमें जो मेरे ख्याल में जो कि मैं दो तीन दिन से ही मतलब जो है अभी इसका अंदर शामिल हुआ है, इसलिए बहुत सभी अपने जो है साहबों को नाम मैं ले नहीं सका, लेकिन फिर भी पिछली मीटिंग में 25 तारीख को हुआ था मीटिंग के अंदर वर्मा साहब बहुत मतलब जो है उसको कोशिश किया था, तो वैसे भी आगे भी वर्मा साहब और आप जैसे कोई भी महान साहब उनका साथ जो उनका अच्छा संबंध रखते हैं उनको हमारा जो है एक साथ होने का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझा करके उनको भी साथ लेना, ये हमारे लिए हमारा सभी वो जो भारत का जो एकजुट होने के लिए जो अपना जो है वीर सैनियों को पूर्व सैनियों इकट्ठा होने के लिए एक अच्छा मौका होगा। बस सर इतना ही कहना ही है मेरे को हमारी तरफ से आप लोगों को सभी को। जय हिंद सर। थैंक यू शिवा साहब, आप आए जंतर मंतर पे, हमारी भी आपके साथ काफी मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने विचार रखने के लिए। और अभी मैं अनुरोध करता हूँ डूडे कुला सेकन्ना जी से कि वो भी अपने विचार रखें प्लीज। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक म्यूट है सर प्लीज। सभी साथी जो अभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल है उन सबको नए साल का मुबारक हो और साथ साथ में सबको जय हिंद। मैं ऑनररी कैप्टन दूधे कुला शेखन्ना फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और हम नेशनल प्रेसिडेंट फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जोगिंदर सिंह साहब के जो संगठन है उसके अंदर हम शामिल होकर के उनका नेतृत्व में हम काम करते हैं। जो उनका विचार है वो ही विचार हमारा है, क्योंकि साहब सबसे अपना संगठन में डिस्कस करके कोई भी फैसला लेते हैं और साथ साथ में उसको अमल करने के लिए हम लोगों को हुक्म देते हैं। हम सब उनका जो हुक्म है उसको फॉलो करके ठीक तरीके से जैसे बताया वैसे और साथ में उसमें कोई अच्छापन अच्छा लाना चाहते हैं तो वो अच्छा ला करके उनको सुझाव देते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का सबका विचार मैंने सुना है। एक पेड़ है, वो ट्री है, वो ट्री को अगर जिंदा रहना है नीचे से जड़ होना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसके बाद में उसका ये क्या बोलते थना रहता है, उसके बाद में ब्रांचेस रहते हैं, उसको पत्ता रहते हैं, उसको फूल रहते हैं, उसको वो तब जा करके उसका परवरिश होने के बाद उसके क्या बोलते हैं फ्रूट्स आते हैं। इसी तरीके से एक संगठन को अगर जिंदा रखना है तो सारा कुछ चाहिए, ये नहीं चाहिए कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए आप दिमाग में रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इसको मतलब तर्क से आप जानिए कि कोई भी चीज को आगे बढ़ना है तो सारे कुछ चाहिए। अगर हमें एक आदमी है तो उसको मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, सब चाहिए। इसी तरीके से संगठन को भी जिंदा रखना है तो क्या क्या चाहिए उसको ठीक तरीके से प्लान करें, आगे बढ़े। ये सब हमको जोगिंदर सिंह साहब का नेतृत्व में हमने सीखा है। और कहने का मतलब ये है कि हम लोग छोटा दिल नहीं रखना है, एक अगर 1000 किलोमीटर भी चलना है तो पहला एक कदम रखना है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी काम जिसका नेतृत्व में हम जा रहे हैं वो फैसला लें और ये कदम आगे रखें, उसका कदम में कदम हम पीछे से हम उसका कदम में कदम मिलाते जाएंगे
कभी कभी कुछ साल के बाद या कुछ दिन के बाद उनको पीछे हटना, शायद उनसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ये संगठन है, वो एक आदमी का नहीं है, लाखों आदमी का है। लाखों आदमी का अगर एक साथ में चलना थोड़ा मुश्किल है, कोई कभी कभी कोई लोग क्रॉस भी करते हैं, तो उसको आपको झेलने का यानी एक्सेप्ट करने का ये होना चाहिए, मन होना चाहिए। तो इतना बोलते हुए अगर मेरे मैंने कोई गलत बात किया तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और हम हमेशा आपके साथ में हैं। आप YouTube चैनल में भी चलाते हैं, सब देखते रहते हैं हम, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो, वेट मत करो, किसी का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ में हैं। अगर आपका विचारधारा अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। एक एक ये है, एक हम लोग शादी करते हैं, हाउस वाइफ और हस्बैंड कैसे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए कैसे रहते हैं, उस तरीके से हम सब संगठन में एक दूसरे के लिए मतलब हमदर्दी होना चाहिए। खाली हमदर्दी नहीं बल्कि काम करके दिखाना है, बातों से नहीं बनता संगठन, हाथों से बनता है, हाथों से काम लेना है। तो ये मेरा विचारधारा है। उसी तरीके से जोगिंदर सिंह साहब का नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एक सैनिकपुरम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो 500 आदमी को हम लोग 3-3 सेंट का जमीन दिलाया और उसमें लोन 10 लाख का लोन दिलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2.5 लाख रुपया सब्सिडी दिलाया, और साथ साथ में अगर कोई आदमी लोन भरते भरते इंतकाल कर गया तो इंश्योरेंस कराया, जिसको वो लोन माफ हो जाता है, ऐसा एक दो आदमी को माफ भी हुआ है। इस तरीके से काम किया है। अगर हम लोग काम करते रहेंगे तो हमारे साथ सारे जुड़ेंगे। एक मैंने जो भूतपूर्व सैनिकों में कमी देखा है वो है, जब तक हमारे साथ काम है हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जैसे ही काम खत्म हो गया धीरे 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 जैसे कि आपको पहचानते नहीं इस तरीके से बिहेव करते हैं। ये बहुत बहुत खराब आदत है हमारे में, लेकिन इसको हारते नहीं हम, उसको मजबूती से आपको साथ में लाएंगे, उसका हम आपके साथ चलेंगे। ये मेरा विचारधारा है, अगर इसमें कोई गलती है तो प्लीज क्षमा करें। धन्यवाद, मेरे को ये मौका दिया उसके लिए, आपके धन्यवाद। लोकेंद्र सिंह साहब वो दीक्षित साथ जुड़े हैं और कहीं जाना भी है, प्लीज अलाउ देम फर्स्ट। सर सर सर, थैंक यू सेकंडर साहब, आपने बहुत अच्छे विचार रखे अपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि अपने पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन यूपी से एक दीक्षित साहब अपने विचार रखें। दीक्षित साहब प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार आप सबके दर्शन हुए और मुझे इस पुनीत कार्य में साझा करने के लिए आप सभी का मैं पुनः हृदय से अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ एक अच्छे मुहिम को लेकर जिस तरह आप लोग मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मैं आश्वासन देता हूं कि पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि सैनिक हित की बात है, यहाँ पर कोई जाति धर्म मजहब की बात नहीं हो रही। और आप सबके प्रयासों को मैं पुनः हृदय से अभिवादन करता हूँ। और जिस तरह एक मैं बात जरूर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से, 25 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था उसकी बिगनिंग बहुत ही अच्छी थी, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आफ्टर इंटरवल जो एक वहाँ पे एक्शन रिएक्शंस हुए और जो वहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सैनिक सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों को दूर रखा जाए ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिवादन। थैंक यू एके दीक्षित साहब, थैंक यू। और अब मैं अनुरोध करूंगा MD पिल्ले साहब से कि पिल्ले साहब प्लीज आप भी अपने विचार रखें। लोकेंद्र साहब माफी चाहूंगा, अभी मेरी मीटिंग है, मासिक मीटिंग है, मुझे अनुमति चाहिए। मैं साहब से राठौर साहब से रिक्वेस्ट किया था तो साहब ने बोला 2 मिनट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, तो मेरी मीटिंग है सर, मुझे अगर इजाजत हो तो। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू दीक्षित सर। जय सर, जय सर। पिल्ले साहब प्लीज आप अपने विचार रखें, आपका बहुत बहुत वेलकम। आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप उसे अनम्यूट करें। पिल्ले साहब आपका माइक अनम्यूट करें। पिल्ले साहब बार बार कैमरा ऑफ कर पा रहे हैं, कैमरा को रहने दें, माइक को अनम्यूट करें। आपकी स्क्रीन के नीचे ही नीचे कैमरे का निशान है, उसको प्रेस करें, बॉटम लाइन में जाएं, एक बाएं क्रम में आएगा, रेड कलर का राउंड में, उसके बाद आएगा
एक माइक, आपके कैमरे का, उसके बाद माइक का है सेंटर के अंदर, उसको क्लिक करें, आपका जो माइक है वो अनम्यूट हो जाएगा। वो सर एक्चुअली में क्या है कि कैमरा कैमरा को कर देते हैं माइक सर, कभी कभी कॉल आता था प्रॉब्लम सर, कभी कभी कॉल आता प्रॉब्लम आ जाती है, किसी दूसरे को मौका दे दो, उसके बाद वो आ जाएंगे। रंजीत कुमार सिंह साहब, पहले आप अपना परिचय दे दें और अपना फिर अपना अपने विचार रखें। रंजीत कुमार सिंह साहब, सर मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन गाजीपुर गहमर से हूं। मैं फर्स्ट चांस ये आपका आप डायरेक्ट ज्वाइन हुआ हूं। मैं सभी लोगों को, मैं सेवन राजदीप से, एक सर्विसमैन रंजीत कुमार सिंह राइफलमैन, आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था सर, इसलिए कुछ अभी तो मैं अभी जोगेंद्र साहब का फोन आया था तो मैं थोड़ा तो लेट ज्वाइन किया कि सबकी बातों को मैं सुन नहीं पाया। और ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है सर, क्योंकि मैं भी प्रेजेंट में इस समय होम मिनिस्ट्री यूपीएससी में हूँ, कार्यरत हूँ दिल्ली में। आप लोग हमें शामिल करने के लिए जो हम ये आया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग का सर, मैं जो दो पर्सन का जो मैंने सब बातें सुनी, बहुत ही अच्छा विचार था, उस विचार से मैं भी सहमत हूँ। एक सर जो अब इसमें बहुत जितने पर्सन थे, कई लोगों का मैंने नाम अभी तक, उन्होंने बोला था कि सर कुछ एक सर्विसमैन ऐसे हैं कि जो अपना काम निकालने के लिए इस संगठन में जुड़ते हैं, फिर काम नहीं हो जाता है तो फिर इस संगठन से कोई मतलब नहीं रखते। हमारा विचार ये नहीं होना चाहिए, हमारा विचार एक सर्विसमैन का यही होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें संगठन के साथ, जब संगठन में जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम जो भी आए, संगठन के साथ ही रहना है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आप हमारी आ रही है रंजीत सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। रंजीत सर एक मिनट, रंजीत सर मैं बोलना चाहता हूँ एक मिनट। सर गैमर में 40,000 एक्सर्विसमैन है, मार्कंडे सिंह वहां के अध्यक्ष है सर। मैं चाहूंगा जब भी आप जाते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए वहां से, कि वो लोग बुजुर्ग हैं, वो इतना अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप वहां पर जब भी एक अच्छे लोगों को इकट्ठा करें ताकि वहां का सब मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट बने वहां एफबीए का हमारा, ताकि आपके मैं जाऊंगा तो इस बार पूरा संगठन को एक साथ अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जिससे एक सर्विसमैन पूरे के पूरे एक साथ जुड़े और गमर से एक बड़ी ताकत वो करके, ठीक है जोगेंद्र साहब? थैंक यू आप, ठीक है सर। सर इसीलिए मैं तो ज्यादा क्या बोलूं, फर्स्ट मीटिंग है। अब मैं आप लोग की जो जो मीटिंग हो, जो भी हो, चाहे कहीं भी हो, आप हमें अगर मैसेज मिलेगा तो मैं हर दिल, मैं परमानेंट दिल्ली में ही हूँ, कहीं भी किसी चीज का सहयोग हो सर, आप लोग के साथ हमेशा आप खड़ा रहूंगा मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो फंड का है, जो भी आप लोग का जो डिसीजन लेंगे उसके लिए मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। अब सर फर्स्ट चांस है, इसलिए मैं जो गलती हो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। फिर अब मैं इतना ही बोलकर मैं अपनी बस यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय माता की सर। रंजीत कुमार साहब, जैसा कि शंकर साहब ने बोला है कि गैमर के अंदर पूर्व सैनिक सेवा समिति जो काफी बड़ा ग्रुप है, तो आप प्लीज वहां पे मार्कंडे सिंह सिकरवार और शिवानंद सिंह है, इन दोनों से संपर्क करें। वो दोनों बुजुर्ग साथी हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग वगैरह ज्वाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज असिस्ट देम। ठीक सर। और आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपसे भी हमें अपेक्षा रहेगी कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर एक्टिविटी दिल्ली पे ही सेंट्रलाइज रहेगी। ठीक है सर, दिल्ली में भी हमारे साथ जितने हैं मैं उनको भी ज्वाइन अपने यहाँ करूंगा सर, लेकिन गमर भी जाऊंगा, जो आपने उनके हमें जो दिया कार्य उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा सर। आपके नंबर बोलिए सर, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा। 8860 5456 5456 61 61। तो सर, मैं आपको उन दोनों के नंबर दूंगा, तो आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए प्लीज। ओके सर, ओके थैंक यू सर। गैमर के तो कम से कम 150 आदमियों के नंबर में भी शेयर कर दूंगा। नहीं, वो जो वहां पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना सर, वो सर बहुत सिंपल आदमी है, वो मेरे रेजिमेंट से हैं। तो वो सिंपल को थोड़ा सा गियर अप कर दो ना सर। लेकिन उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों को एक साथ रखा है साहब, उन्हें मेरी भाभी है।
काम बहुत करवाते हैं पूर्व सैनिकों का। उनको सर, उनको सर मॉडर्न करेंगे, उनको सिस्टम से वाकिफ कराना है, उनको इस सिस्टम से वाकिफ कराना है कि कैसे अपने आप को जोड़ा जाए। हुई है लेकिन वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, कोशिश पूरा करेंगे सबको। ओके सर, रंजीत साहब एक रिक्वेस्ट है सर, कैप्टन दिलवाग साहब जुड़े हैं पंजाब से, तो एक मिनट के लिए उनको भी थोड़ा समय दे दीजिए सर। कैप्टन दिलवाग सिंह जी, जी मिलेगा सर, मिलेगा सर। मैं सबको मौका दूंगा सर, किसी को भी यहां से बिना मौका दिए नहीं छोड़ेंगे सर। तो पहले तो रंजीत साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार रखे जुड़े। अब मैं अनुरोध करता हूँ अपने निर्भय सिंह साहब से कि निर्भय सिंह साहब प्लीज आप भी अपने विचार रखें। और उससे पहले मैं पिल्ले साहब आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है, जैसे ही आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। हेलो, हाँ जी जी, हो गया तो मैं जैन सर, जैन केरल से हूँ जी जी। जैन सर, मैं केरल से हूँ सर। एक सेकंड, ये सेवा मनोभाव से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से हम बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी इंडिया में बहुत अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जिला में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखा है। इसमें एक्सरसाइजमैन का जो वेलफेयर होना है, जो उनको मदद मिलना है, वो कुछ नहीं मिलता है। उसके हटके पूरा लोगों को एकजुट करके जो इसमें वॉलंटियरली बिगर लाफेचा से ऑर्गेनाइजेशन बन के एक मातृका तरफ से आगे बढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं इंडियन मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट जोगेंद्र सिंह साहब और चरण सिंह मल्लिक साहब का सुझाव से साथ हूँ। अभी हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हर चीज हम हासिल करेगा। जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीति से जो आगे बढ़ता है, वो उसमें कोई फायदा एक्सरसाइजमैन को जो सोचता है उतना नहीं मिलता है। अभी हम लोग जो नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उसके लिए जो प्रियाम्बल है, जो बाइलास है, उसमें हम लोग जो हम करना चाहता है वो पहले उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ये मेरा एक सुझाव है। दूसरा, हम पूरे लोग पढ़ा लिखा है, आमदनी है, फिर भी एक्चुअली नो हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योरिटी ड्यूटी करके अपना गुजारा करता है। अभी जो मनोभाव है लोगों का, वो उसमें बहुत चेंज होना चाहिए। अभी जो पेंशन मिलता है, वो पेंशन से ज्यादा लोग अपना जिंदगी पूरा कदम करना चाहता है, वो सिस्टम से हटना चाहिए। क्योंकि हमारा पूरा लाइफ हम फौज के लिए दिया है और हमको जो सरकार है, जो स्थापन है, वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। और जो अपना जो महिला बनने से पहले हर एक व्यक्ति, हर एक स्टेट, हर एक लोगों से हम अच्छा सुझाव लेके आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये मेरा सुझाव है। मैं आपका यो अटेम्प्ट है उसमें बहुत खुशी हूँ, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है, हम आईटी वो टाइम पर है और लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना भी उतना आसान ही नहीं है, वो सिस्टम से हम आगे बढ़ना चाहिए। आप पूरे लोगों को लेके सामने जाना, आगे बढ़ना, वो बहुत अच्छा है। आप लोगों को सबको धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू पल्ले साहब, थैंक यू, आपने अपने विचार रखे। निर्भय सिंह साहब प्लीज आप अपने विचार रखे। नेक्स्ट को चांस है सर। सर मैं दिलबाग सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें, और तब तक निर्भय सिंह साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। दिलबाग सिंह साहब आप भी अपना माइक अनम्यूट करें सर। निर्भय सिंह और दिलबाग सिंह साहब आप दोनों के ही माइक म्यूट हैं, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और उसके बाद अपने विचार रखें।
जी निर्भय साहब शुरू करें। जी मैं बोल सकता हूँ? जी सर बोलिए। जी सबको मेरा नमस्कार। तब मैं पहली बार जुड़ा आप लोगों से। दिलबाग साहब माइक अनम्यूट करो उंगल ला के। सर निर्भय साहब को कंटिन्यू करने दें, दिलबाग साहब जब तक अपना माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। जी सर मेरा सबको नमस्कार। मैं आप लोगों से पहली बार जुड़ रहा हूँ। बाकी मैं जोगिंदर साहब से संपर्क में बहुत पहले से हूँ और जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो हमको सब मिलते रहते हैं। चूंकि हम ऐसी जगह से हैं, मैं यूपी से, छोटी जगह है औरैया, फिर भी हम काफी संपर्क में रहते हैं। मैं आपकी एक मीटिंग में दिल्ली भी गया हूँ, 5-6 महीने हो गए वो मीटिंग में गया था और मैं सब पे पूरी नजर रखता हूँ। मेरा कहना एक है, कोशिश किया जाए, ये तो जल्दी के लिए बोलते हैं, जल्दी क्या मतलब ये नहीं है कि एकदम संगठन को हम खड़ा कर दें, झंडा गाड़ दें, मतलब अपनी जो कोशिश है वो अपनी जारी रखें, हम डिसकंटिन्यू न करें और संपर्क में रहें और बातचीत करते रहें। जैसे अभी जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसे अभी अर्जुन सिंह साहब ने बोला था कि कुछ वो आपके क्या नाम उत्तराखंड के जो संगठन है वो थोड़ा सा कम सहयोग कर रहे हैं और साबका वाले भी हैं। मेरा कहना ये है कि एक बार जो आप लोग मेन बॉडी में हैं तो संपर्क करें इनसे, अगर सब जोड़ दिए जाए तो एक बहुत अच्छा ही वो हमारा रिजल्ट निकलेगा इसमें। बाकी जैसा भी जो भी होगा आगे, ज्यादातर मेरे जोगिंदर साहब जो संपर्क में रहते हैं, जैसे आप लोग आदेश देते रहेंगे हम उनके साथ और आपके साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, यही मेरा कहना है। थैंक यू निर्भय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिलबाग सिंह साहब आपसे पुनः अनुरोध है कि प्लीज आप अपने विचार रखें, लेकिन अभी तक आपका माइक म्यूट ही है, अनम्यूट नहीं हुआ है। अरे वो कर नहीं रहे सर, जब तक अपना और अगली बात कर लें। तो सर अभी जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं सबके विचार आ चुके हैं, सबने अपने अपने विचार रख दिए, अब कोई भी साथी ऐसे नहीं है जिनके विचार आने बाकी हों। और जो आज इस मोमेंट में हमारे साथ जुड़े उसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जय हिंद फाउंडेशन जम्मू, एक्स सर्विसमैन एंड हेल्पलाइन सोसाइटी दिल्ली, देशवा, पूर्व सैनिक सेवा समिति गैमार, वेटरन्स ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन यूपी और जय हिंद जो हमारा एक संस्था है केरला की, वहां से जुड़े हमारे पास शिवाजी, एमडी पिल्ले जी, रंजीत जी, डेडू कुला जी और दिलबाग जी का माइक म्यूट ही रहा, उनके विचार हम नहीं सुन पाए। फोटो बैकअप की तरफ से हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, उनका भी माइक म्यूट ही है, वो भी अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उनका माइक अनम्यूट नहीं है। ये दिलबाग सिंह साहब का हो गया अभी अनम्यूट, फिर से म्यूट है सर। दिलबाग सिंह साहब बोलिए। वह खालसा भी फते, जितने भी आज पूर्व सैनिक अधिकारी इस मीटिंग में आज हम, मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और नए साल की सबको और पूरे देशवासियों और सभी वेटरन परिवारों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैंने सबके विचार सुने और कई संगठनों के एक से अधिक मेंबरों के भी विचार सुने। सब ने एक और दूसरी बात के जो अभी रंजीत जी ने बोला था कि जो पिल्ले जी ने ये बात की, एक बात कही थी कि जो लोग उनका हम काम करते हो दोबारा हमारे साथ नहीं संगठित होते,
ये वास्तव में प्रकृति का नियम ही है और हर इंसान की मानसिकता है। जब जरूरत पड़ती है तभी कतरत होते, लेकिन हमें अपना काम जरा है उन सबको अपने साथ जोड़ के रखना ही है, और जब भी जरूरत पड़ती है उनकी तरफ हमने अपना पूर्ण झुकाव करना है। बाकी जो नाम सभी ने बोले हैं कि ये नाम रखिए, मैंने तो ये एक संज्ञान लिया कि जो फेडरेशन नाम दिया गया है तो सब पूरे देशवासियों को पता लग गया, फेडरेशन के साथ ही साथ वीर नारी विडो सबका जो चुकाव है, और फेडरेशन पूरे देश में हम फेडरेशन के शुरू में साथ में और आज भी फेडरेशन के साथ हैं, और यही आज करते हैं कि पूरे भारत में हमारी एकता जड़ी वो पूरे देश में हर अधिकारी और राजनीतिक राजनेता तक ये पहुंचे कि सैनिक इस देश के मुसली उस स्त्री की नीचे वाली जड़ है हम, क्योंकि देश के सुरक्षा चक्र को भी हमने ही रोक के रखना और रोक के रखी रहेगी पुष्पों दर पुष्पों। और लगता है दिलबाग सिंह साहब के यहाँ पर नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है, धरना चल रहा था जिसके ऊपर हमारी फेडरेशन पैदा हुई, और हमें संघर्ष कमेटी की तरफ से ये बताया गया कि आप फेडरेशन के साथ हो, फेडरेशन ने किया, लेकिन मैंने आज भी कल शाम को भी और पहले भी संघर्ष कमेटी को ये बोला कि आपने फेडरेशन को बनाया और हम पूर्ण तौर पे पंजाब से जो सांझा सैनिक मोर्चा है वो उसके साथ मिलकर हम फेडरेशन का एक हिस्सा बन चुके हैं, और फेडरेशन का जो प्रदेश होगा उसी पे काम करें। बाकी जो फेडरेशन ने अभी मीटिंग बुलाई थी जो 25 तारीख को, जिसमें कुछ चुनिंदा जथेबंदियों के अहदेदारों के बीच में मीटिंग हुई, और उसमें फिर एक बार ये साबित हो गया कि ये जथेबंदी एकता में नहीं चलना चाहती, लेकिन आज नहीं तो कल फेडरेशन के साथ आएगी। मेरा यही आश्वासन है कि हम एक अच्छे सैनिक पूरे देश में अच्छे सैनिक बनकर चले, और हमारा ऐसे मेल हो जैसे परमात्मा से आत्मा का मेल होता है, हमारे दिल में एक कशिश रहे कि इस संगठन जेड़ा हमारे फेडरेशन का हिस्सा है, हम भी एक फेडरेशन का हिस्सा है, और इस फेडरेशन को अर्जुन सिंह राठौड़ ने बहुत ही बड़े लेवल में अपनी इस एज में रहते हुए बहुत बड़ा सपोर्ट करके और इसकी नींव को मजबूत किया, और मैं वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनका तहे दिल से सत्कार करता हूं, और सारे संगठनों को यही अपील करता हूं कि हम एक झंडे के नीचे चले और एकता का प्रदर्शन दिखाएं। हमारे लिए जो भी आदेश होगा फेडरेशन का उसको हम मानेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मेरे इतने सुझाव है, अगर मेरे विचार में किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो जाए छोड़ देना, लेकिन हमारी वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट जसपाल सिंह जानी और वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन दिक्कर सिंह, और मैं वाइस प्रेसिडेंट पंजाब सूबेदार मेजर दरबार सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की जय। थैंक यू दिलबाग सिंह साहब, थैंक यू। अभी मैं अनुरोध करता हूं फोटो बैकअप की तरफ से, प्लीज आप अपने विचार रखें और अपना परिचय दें सर, प्लीज। सर जय हिंद, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल सर? जी सर। यस सर, कैरी ऑन।
सर मैं डॉक्टर एमपी सिंह एक्स जेडलो, मैं दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर और ट्रेजरर हूं। मैं एफपीओ की मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था मेरठ में, वहां भी था, आदरणीय सीपी सिंह साहब के साथ पूरी टीम को लेके गया था। 25 दिसंबर को भी हमने ऑर्गेनाइज करी थी मीटिंग, जिसमें 34 लोगों ने हिस्सा लिया भगत चंद्रा हॉस्पिटल में। मेरा शुरुआत से एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरे को मैसेज मिला था तो मैंने सोचा कि ये पीएम है, नॉर्मली शाम के टाइम होती है मीटिंग, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये तो एएम है। तो लगता है सर के पास भी थोड़ा नेटवर्क का इशू है। उन्होंने अपने हर गली कस्बे में अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, संस्थाएं बना रखी हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार को या किसी कंसर्न अथॉरिटी को यदि हमें कोई अपनी मांग पहुंचानी होती है, और लगभग हम सभी की मांग ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया एक जैसी है, वो कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे फैमिली पेंशन का हो, चाहे वरंग वैन पेंशन का हो, चाहे एमएसपी का हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारी मांगे लगभग एक जैसी होती है, लेकिन मांग करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरा विचार हमेशा से यही रहा है कि ऐसा एक फ्रंट हो। और होता क्या है सर कि सभी जगह से जो मांगे जाती हैं कंसर्न अथॉरिटीज को, उनको पता चलता है कि दे आर डिवाइडेड कंप्लीटली, और वो हमारी मांगे कचरे दान का पात्र बन जाती हैं। वो डस्टबिन भरता है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की या जो भी कंसर्न अथॉरिटी के जो ऑफिस होते हैं, वो हमारे मांगे जो है कचरा दान का पात्र बन जाती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा फेडरेशन या यूनाइटेड मूवमेंट नेशनल लेवल का बनाएं कि हमारी सारी संस्थाएं अपनी अपनी मांगों को, जायज मांगों को विधिवत रूप से एक फोरम पर ले जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर लेके जाएं, और वहां पर कंसोलिडेट होकर के वो डिमांड कंसर्न अथॉरिटी को जाए। तो गवर्नमेंट को भी या कंसर्न अथॉरिटीज को भी पता चलेगा कि वास्तव में बहुत ही स्क्रूटनाइज डिमांड है, बहुत जेन्युइन डिमांड है, और उनको भी पता है कि इनके साथ बैकअप कितना है, हजारों संस्थाओं का बैकअप है, तो शायद वो बात हमारी जरूर सुनी जाएगी। तो इस तरह की शुरुआत करी है, मैं मेरठ गया था, वहां भी हमने समर्थन दिया था, और हमारा पूर्ण समर्थन है राठौर साहब के लिए। राठौर साहब मेरे घर आ चुके हैं 2015 में, करीब 60-65 लोगों को लेके आए थे, रात में मैंने स्टे कराया था, और इस उम्र में इतना प्रयास कर रहे हैं, पूरा 18-20 घंटे दे रहे हैं एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को, मैं आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं सर राठौर सर, और जितने भी भाई लोग मेरे बड़े भाई यहां पे इस पटल पर हैं, आई रियली सल्यूट टू ऑल। और मैं यही चाहता हूं कि हम सबकी डिमांड जो है, संस्थाएं जैसे काम कर रही हैं वहां करती रहें, लेकिन यदि किसी कंसर्न अथॉरिटी को कोई लेटर जाना है, कोई मांग जानी है, तो वो एक नेशनल लेवल के फ्रंट जैसा जिस तरह का गठन का हम प्लान कर रहे हैं, उसके थ्रू जाए तो उसकी सार्थकता बहुत ज्यादा होगी और हमारी डिमांड जो है सुनी जाएगी। तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करता हूं, मेरा पूरा दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, आई थिंक हमारे आदरणीय सीपी सिंह साहब इस समय पटल पर नहीं है, मैं उनके बिहाफ पर आप सबको आश्वासन देता हूं कि दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। उद्देश्य पूर्ति के लिए मेरा एक ही कहना है कि कोई भी एजिटेशन हमारा हिंसक नहीं होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। मुझे मौका मिला था, मैंने एक दो बार कहा भी है कि कहीं भी यदि हिंसक तरीके से कोई विरोध किया जाता है तो हमें सोचना पड़ेगा, स्पेशली दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंसक गतिविधियों का हमारी डिस्कवरी में कोई जगह नहीं है। यदि हम हिंसक तरीके से कहीं अप्रोच करते हैं तो सरकारी संपत्ति, भारत की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हम अपनी
तरीक अपनी संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी आवाज पहुंचाएं। हम बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम पेपर पर लिख करके या कहीं भी एजिटेशन करके जो बहुत ही संवैधानिक है उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और पुनः इस तरह के प्रयास के लिए मैं परम आदरणीय श्री राठौर साहब का को सलूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, अपने विचार रखे सारे। माइक अनम्यूट कीजिए लोकेंद्र साहब। सॉरी सर, क्योंकि आवाज ना बिगड़े इसलिए मैंने अपना खुद का भी माइक म्यूट कर रखा था। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। और आज सभी वक्ताओं ने, अभी जितनी भी संस्थाएं जुड़ी थी उनके हेड और उनके जितने भी प्रतिनिधि थे, उन सब ने अपने विचार रखे हैं अभी तक। और मैं अब चाहूँगा अंत में अर्जुन सिंह राठौर जी, आप भी अपने विचार रखें और इस लास्ट में समाप्त की कार्रवाई करें, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है मीटिंग को चलते हुए। और इस छुट्टी के दिन सभी ने समय निकाल के बड़ी पेशेंस से, शालीनता से अपने विचार रखे, सबने सबको सुना। अब आप आगे की कार्रवाई फिर शुरू करें सर, और अपने विचार रखें क्योंकि अभी आप बाकी हैं। थैंक यू सर। साथियों, आपको सभी को मालूम है कि पिछले 2 महीनों से बहुत सारे जो बड़े बड़े फ्रंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मंच पे आ जाएं। और जैसा सेंगर साहब ने बताया है कि मूवमेंट ये बहुत अच्छा चला, एक बहुत हाइट पे गया और वापस धड़ाम से ये जहां था वहीं आ गया। और आज की तारीख के अंदर जो घटिया किस्म का मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, हम लोग में मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, उसकी वजह से मूवमेंट नाम की तो चीज कोई रही नहीं है और हमारी छवि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सरकार ने सिर्फ इसलिए हमारे लिए दरवाजे बंद कर लिए कि वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो को कंटिन्यूस रिपोर्टिंग जारी है कि ये लोग एक नहीं है और ये सरकार से नहीं लड़ रहे बल्कि आपस में लड़ रहे हैं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप फ्रंट खुल जाता है और वहां पे जबरदस्त जो है गाली गलौच, ये वो क्या जानता है, ये क्या जानता है, उसको ड्राफ्टिंग नहीं आता, उसके पास में कौन है, खाली इन्हीं चीजों के अंदर समय खत्म किया जा रहा है। और दूसरा अफसोस का बात है कि करोड़ों रुपया इस आंदोलन के नाम पे पूर्व सैनिकों ने अपने गाड़ी कमाई की पेंशन से दिया, उसका यूटिलाइजेशन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही है। इसी वजह से जो बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक हमारे हैं, जो देख रहे हैं दूर से, बहुत सारे उनमें ऐसे हैं कि वो एक्टिवली नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बहुत चिंतित है इस मूवमेंट से कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। गुप्ता साहब, वेलकम यू हैव जॉइंड टुडे भी, तो उनकी तरफ से एक मैसेज। आइए आइए गुप्ता साहब, आइए, वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। उनकी तरफ से यही मैसेज है कि बहुत हो चुका, अब मेहरबान करके एक हो जाओ और सरकार को ये संदेश दो कि हम बिखरे हुए नहीं हैं। इस मुहिम के अंदर पहले 5 जूम मीटिंग हो चुकी थी, आज 6ठा जूम मीटिंग है और इससे पहले अभी पिछली 25 तारीख को दिल्ली के पालम में एक फिजिकल मीटिंग भी हुआ। जैसा कि पिछली मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि अब जो आदमी साथ नहीं चल सकता है, एकता नहीं चाहता है, उनकी ज्यादा बातें ना करी जाएं क्योंकि उससे उनकी इम्पोर्टेंस अननेसेसरी बढ़ती है। तो मैं खाली इतना ही दोहराऊंगा उसके मामले में कि उस दिन का मीटिंग बहुत ही बढ़िया माहौल में चला, सभी संगठन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे सबके सब एक मत थे और एक आशा बंधी थी कि हाँ आज हम एक अच्छा यहाँ से एक रिजल्ट लेके उठेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारा ये एक साथी संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आकर के, जैसा उनका काम करने का तरीका होता है, उछल कूद मचाया, उपद्रव मचाया, माइक पे कब्जा, मंच पे कब्जा, किसी को बोलने नहीं दिया और अपनी शर्तें थोपने का प्रयास किया। आज भी हम साथियों इतने सारे संगठन के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, अगर कोई भी एक संगठन ये ठान लिया कि मेरा ये प्रपोजल इसको मानना ही पड़ेगा तो फिर तो साहब एकता की कोई बात नहीं रह जाएगी।
बातें तो वो मानी जाएंगी जो जिसके ऊपर सहमति बने, और सहमति भी अगर 100% तो नहीं तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी तो उसके पक्ष में, जो भी आप रेजोल्यूशन ले रहे हैं अपने अपनी बात बनवाने पे लग जाएंगे तो फिर तो हम थोड़े दिन स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इस फ्रंट की मंशा ये रहनी चाहिए कि हम सब आम सहमति से पूर्व सैनिक के कल्याण के जो भी मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक मत होकर के चलेंगे, और जहां जरूरत होगी आपने सबने डिसीजन लिया मैं उससे सहमत नहीं हूं तो ये मेरा जिम्मेदारी बन रहा है कि क्यों मैं सहमत नहीं हो रहा हूं, जब इतने सारे लोग हैं तो क्या मैं ही थोड़ी बुद्धिमान हूं इसके अंदर, तो मुझे वहां पे लिबरल होकर के झुक करके बैलेंस करके चढ़ना चाहिए और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ साथियों आपने निर्णय लिया तो डेफिनेटली ये अच्छा ही निर्णय होगा। मेरा थोड़ा सा विचार कुछ अलग था लेकिन मुझे भी आपके साथ ही चलना पड़ेगा, तो इसी भावने से आगे बढ़ेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। सॉरी सर डिस्टर्ब हो गया था, कोई फोन आया था। तो इसके अंदर जो बड़े बड़े फ्रंट्स हैं उनको हम जोड़ रहे हैं और इंडिविजुअल जो भी यूनिट्स हैं, अब जैसे फेडरेशन के साथ में 157 जुड़ी हुई है, दूसरे संगठन है आई बी यू है इसके साथ में थ्रूआउट इंडिया के अंदर सैकड़ों की तादाद में एसोसिएशन के साथ में है, जैन फाउंडेशन है, गैमर वाला ग्रुप है, वेटर्स दिल्ली है, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब है, पूर्व सैनिक संयुक्त यूपी का है, हिमाचल का है, फेडरेशन है। तो इन लोगों को बना करके एक महासंघ बनाना अपना उद्देश्य है। तो इस सिलसिले के अंदर काफी अच्छा प्रोग्रेस हमारा चल रहा है। सेकंडली सभी के यही विचार हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके हमें इसको अंतिम रूप दे देना चाहिए इस एकता के स्वरूप को, और एक जॉइंट सिग्नेचर करके हम गवर्नमेंट को एक संदेश दें कि हम बिखरे हुए नहीं हैं, हम एक हो गए हैं। दूसरी बात, ज्यादातर जैसे वाहेगुरु साहब भी बोल रहे थे और भी बहुत सारों के इन दिनों के अंदर मैसेज आए हैं कि भाई हम ये तोड़ फोड़ ये रोल रखो सांसद घेरो इसके पक्ष में नहीं है, तो ये भी ठीक है, जो भी हम आम सहमति से बना के चलेंगे उसी के हिसाब से अपना आंदोलन को आगे चलाएंगे। तो इसके ऊपर पहले अपनी काफी सारी बातचीत हो चुकी है और कल मैंने एक कॉमन प्रोग्राम आप सभी के दे रखे हैं, शायद आपने ऐसे डाला था और कभी ने देखा है तो अब हमको उसके ऊपर अपने अपने विचार देने चाहिए कि क्या सही है, यह इसमें तो सुधार करना है, ये अंतिम ड्राफ्ट नहीं है, ये किसी संस्था का ड्राफ्ट मान करके इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम सबकी सहमति से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं इसके मुख्य बिंदु पढ़ के सुनाऊं, या आपने पढ़ लिया है तो आप अपने विचार दें। सर पहले तो सबसे पहले तो इसके नाम के ऊपर था तो कई मीटिंगों में इसके ऊपर बातचीत हुआ, नाम सुझाए गए तो एक नाम जैसे पिछले बार जो अपने शायद मलिक साहब ने भी बोला था कि रामनाथ शब्द बीच में आना चाहिए तो इसका नाम दिग्गज वीरांगना महासंघ, अगर ये सब कुछ स्वीकार्य हो तो इसको फाइनल करेंगे, नहीं तो अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो वो भी खुला रहेगा, इसके अंदर कोई भी फाइनल चीज नहीं है, ये फाइनल उस दिन होगा जब हम फिजिकल मीटिंग में बैठ करके फिर सहमत हो जाएंगे। अभी हमारे पास में टाइम है, आपकी सबकी मेल के ऊपर मैंने इसका ड्राफ्ट डाल के रखा हुआ है, उसको प्लीज स्टडी करें, कोई भी एडिशन डिलीशन एडिशन है तो वो हम कर पाएंगे, अदरवाइज अभी तक तो इसका नाम अपने दिग्गज वीरांगना महासंघ दिया है। इसके उद्देश्य मैं अलग अलग नहीं पढ़ करके सारी लाइनें या मेल पे पढ़े तो बेटर होगा, इसमें यही है कि हम सब फ्रंट मिलकर के पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं के कल्याण के लिए सभी संगठनों को एक मंच पे ला करके और हमारे कल्याण की आवाज को उठाएंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ेगी धरना रैली प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से इसको हम आगे। स्वरूप क्या होगा, पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के कल्याण हेतु गठित
गैर राजनीतिक महासंघ, इसमें शब्द गैर राजनीतिक है, उसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि इस प्लेटफॉर्म को कोई भी राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, न ही इसके ऊपर कोई राजनीतिक नेता को बुलाया जाएगा, न ही कोई राजनीतिक चर्चा की जाएगी। इसकी संबद्धता एप्लीकेशन कौन कौन ले सकेंगे, इसकी इसकी जो ऑलरेडी बहुत सारे संघ मोर्चा फ्रंट और फेडरेशन बने हुए हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो कोई भी ऐसी एसोसिएशन है कि वो किसी भी फ्रंट मोर्चे के साथ में नहीं है लेकिन उसकी मेंबरशिप अगर 2000 से ज्यादा है तो वो भी इसका एप्लीकेशन ले सकेगी। इसका गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी इसका प्रॉपर संचालन करेगी, तो उसके लिए जैसा कि पिछली मीटिंग में भी हुआ है जहाँ पे अपन चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे वहीं पे ग्रुप बाजी पैदा हो जाएगी। इसलिए फिलहाल 8 या 7 ही फ्रंट हैं इसमें जो चल रहे हैं क्योंकि साफ का अलग हो चुका है। हिमाचल वालों का भी रुख स्पष्ट नहीं है पिछले 2-3 दिनों से, हालांकि अच्छा बड़ा ग्रुप है और जगदीश वर्मा जी अच्छा कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे लेकिन कल की उनकी जो पोस्ट वगैरह ये है वो देखने से वो थोड़ा सा लग रहा है कि उनका डिफरेंसेस भी लग रही हैं। पिछली जो परसों वाली जूम मीटिंग उन्होंने ज्वाइन नहीं करी थी और आज भी नहीं कर रहे हैं। एनीवे उनसे बातचीत करके अपन उनके व्यूज लेंगे। इसके अंदर अपन ये कर सकते हैं कि जो जो बड़ा फ्रंट जुड़ रहा है उसे दूसरा ये करता है कि जो भी फ्रंट जुड़ रहा है एक उसका हेड और एक उसका डेलीगेट, वो जैसा भी आपको उचित लगे उस पर आप प्लीज अपना व्यू दीजिए। फिर इसका संचालन किस प्रकार से होगा, आगे के लिए कोई भी मूवमेंट का कोई भी एजिटेशन धरना प्रदर्शन होगा तो वो दिग्गज वीरांगना महासंघ के नाम से होगा, किसी भी अलग संगठन के नाम से नहीं, और किसी नाम से बैनर होगा, किसी नाम का झंडा होगा, किसी नाम का लेटर पैड होगा। दूसरा, हर मीटिंग के अंदर उस मीटिंग के लिए चेयरमैन अगर नामित होगा, किसी एक आदमी को नहीं रखा जाएगा परमानेंट, जिससे ये एहसास ना हो कि ये एक तरीके से हमको लीड कर रहे हैं, यहाँ पे अपन जो भी जुड़ जाएंगे वो सभी लीडर होंगे। इसका एक लेटर हेड हो और आगे से कोई भी पत्राचार सरकार से कहीं से किया जाता है तो जो भी इसमें एफिलिएट होंगे उनके सब की जो हेड्स होंगे उनके साइन होंगे। गवर्निंग बॉडी डिसाइड करेगी सारा कुछ, जो मसौदा तैयार करेगी फिर हेड्स के साथ में बातचीत करेगी, लेकिन साइन होगा तो इसके जो हेड्स होंगे वो उस पे साइन करेंगे। महासंघ का प्रवक्ता ये गवर्निंग बॉडी जो बन जाती है तो वो डिसाइड करे कि हमारा प्रवक्ता कौन होगा। फिर इसका प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि जब भी सरकार से वार्ता करने के लिए या ज्ञापन देने के लिए कहीं पे जाना पड़ता है हमको सरकारी दफ्तर, उस टाइम पे भी जो भी 5 या 11 जो भी जरूरत पड़ती है उसमें वो जो गवर्निंग बॉडी है वो आम सहमति से तय करे, और उसमें कोशिश ये हो कि जो भी फेडरेशन फ्रंट जुड़ रहे हैं उनके मुख्य प्रतिनिधि उसके अंदर जाए। गवर्निंग बॉडी ये इंसिस्ट ना करे कि हम गवर्निंग बॉडी है तो हम ही जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर अगर आप जो रिप्रेजेंटेटिव को साइड कर देंगे खाली गवर्निंग बॉडी के पास में क्या है, गवर्निंग बॉडी खाली हमको सुझाव देगी इसका संचालन प्रॉपर करेगी। रैली प्रदर्शन रैली जो भी है वो जॉइंटली हो, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए वो जो गवर्निंग बॉडी है वो करे, जो भी चंदा प्राप्त हो वो इस संगठन महासंघ के नाम से हो और खर्चा होने के बाद में उसको हर मीटिंग के अंदर बताया जाए, और एक मीटिंग में बता देने के बाद में फिर कोई अंगली ना उठाए कि ये 5 रुपए कोई खा गया है, जिसको भी डाउट है अगली मीटिंग में जो अप्रूवल करता है तो उस टाइम पे पूछ ले वे वो, और शेष राशि बच जाती है वो अगले इक्विपमेंट में काम आए, कम पड़ती है तो सारे संगठन मिलकर के उसकी पूर्ति करें। दूसरा, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है कोई रैली होती है
उसके अंदर हमारे पक्ष का कोई भी हेड है वो मंच पे नहीं बैठेगा। मंच पे सिर्फ जिसको हमने किसी को गेस्ट बुलाया है वो बैठे या मंच का संचालन करता वहां रहे। बोलने का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हमेशा शिकायत आती है, मैं तो जो इतने हजार को रिप्रेजेंट करता हूँ दिल्ली के अंदर मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। ये भी गवर्निंग बॉडी डिसाइड करे कि क्या टाइम है, कितने लोगों को अलाउ करना है वो हमको पहले बता देवे। जिसको मौका नहीं मिलता है तो वो शिकायत नहीं करे। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से मैं अश्योर करता हूँ किसी भी मीटिंग में फेडरेशन के प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हम शिकायत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दूसरा, जब भी धरना रैली प्रदर्शन का कोई व्यवस्था होता है तो उसमें सिर्फ टेंट, साउंड सिस्टम, पानी, खाना अगर जरूरत है तो बैठने की व्यवस्था और प्रशासनिक आवश्यकताओं के ऊपर जो खर्चे होते हैं वही खर्च किए जाए, बाकी इस फंड से कोई खर्चा न किया जाए। किसी भी संगठन का यूट्यूबर, प्रवक्ता या पदाधिकारी सोशल मीडिया पर दूसरे संगठन की एक्टिविटीज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करे। आप अपने संगठन तक सीमित रहिए, क्योंकि जिस दिन हमने फिर वही शुरू कर दिया एक दूसरे के टांग खिंचाई करना तो जो है हालत वो उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अनावश्यक दूसरे के महत्व के अंदर कोई भी दखल ना करे। दूसरा, कोई भी धरना रैली प्रदर्शन समाप्त हो गया तो करे और जरूरत हो तो हाथ जोड़कर उसको कह दे कि साहब आपकी इस जो विचारधारा है इसके साथ आप नहीं चल सकते, प्लीज आप आउट हो जाइए। कोई भी ज्ञापन या मांग प्रस्तुत की जानी है तो वो हमारी एक कमेटी बने जिनमें बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग हो, ज्ञान हो जिनको हमारे मैटर्स का, और वो मसौदा तैयार करके दे और उसके ऊपर सभी संगठनों के अध्यक्षों के संयुक्त हस्ताक्षर हो, जिससे ये नहीं लगे कि तुमने ये दिया, मैंने ये दिया था, तेरे वाले में कमी थी, मेरे वाला बहुत सुंदर था, ऐसी स्थिति कभी ना आए। और जो भी दिग्गज वीरांगना महासंघ का सहमति पत्र बन जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, उसका सभी को सम्मान करना पड़ेगा। ज्यादा चंदा इकट्ठा करने पे जोर नहीं दिया जाए। आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से संचालित हो, जैसे कि वाहेगुरु साहब कह रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों की पोस्ट आई है, कल मलिक साहब का भी पोस्ट था, मैंने पढ़ा था, उसके अंदर ये संसद घेर लो, रेल रोक लो, सरकारी दफ्तरों का घेराव कर लो, हाईवे को ब्लॉक कर दो, तोड़फोड़ कर दो, ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेगा। फिर इसके अलावा कोई भी संगठन अपनी खुद की काल देकर के दबाव उत्पन्न नहीं करे कि मैंने तो ये दे दिया साहब काल, अब आपको सबको साथ आना पड़ेगा, ये एकता के लिए सही नहीं है। सब हम एक मंच पे बैठ के डिसाइड करके उठेंगे। जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसका एजेंडा निश्चित हो और उस एजेंडे से बाहर जाने का कोई भी साथी कोशिश ना करे। बहुत ही जरूरी है तो सबकी सहमति और चेयरमैन इजाजत देवे तो ही दूसरे सब जो की जाए, क्योंकि हमारा 25 तारीख का जो डिस्टर्बेंस हुआ मीटिंग का उसके पीछे मेन कारण यही रहा कि एजेंडा था एकता के मंच पे आने का बात करेंगे, लेकिन वहां पे एजेंडा दूसरा रख दिया गया, फर्स्ट डाला गया कि इस पे निर्णय लो, जंतर मंतर पे चलो, चल के घोषणा करो कि भाई एक तारीख की हम पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर हम काल दे देंगे, तो ये संभव नहीं है साहब। किसी सभी संगठनों को अगर अपने हिसाब से कोई चलाने की कोशिश करेगा तो वो अपन आगे लंबे टाइम के लिए साथ नहीं चल सकेंगे। कोष का रख रखाव और नियंत्रण, इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी बन जाती है हम लोगों की, तो वो एक ट्रेजरर और एक सब ट्रेजरर का नॉमिनेशन करे जिनको लेखा जोखा का ज्ञान भी हो और वो इसका पूरा हिसाब किताब रखें, टाइम टू टाइम उसको पुटअप करें। चंदा का रसीद अगर होता है तो वो उस महासंघ के नाम से हो। देखने में ये भी आया है कि इस आंदोलन के नाम पर फर्जी रसीद बुकें छपी हैं, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे खूब चल रहा है, और पैरेलली जो है वहां पे तो वो चलता रहा, उसका हिसाब किताब भी वो भी नहीं है, लेकिन जो पैरेलली रसीदें काट दी गई हैं उनके लिए नकार रहे कि तो हमारी रसीदें थी नहीं। तो इस चीज से भी अपने को बचना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और इसके लिए हमको टाइम टू टाइम लोगों को कहना पड़ेगा कि कोई भी गलत तरीके से फर्जी कलेक्शन कर रहा है तो उसको चेक करें।
दूसरा कोई भी दानदाता व्यक्ति संगठन या जो अपन इसके फ्रंट जुड़ने जा रहे हैं, आपने किसी ने कोई चंदा दे दिया तो जाहिर है कि चंदा दे रहे हैं तो वो तो खर्च भी होगा, और आप महीना छह महीना साल भर बाद में खड़े हो जाओ कि ला मैंने जो 50,000 रुपए दिया था वापस दे। आप व्हाट्सएप की हवाओं के अंदर देखते होंगे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, मैंने इतने लाख खर्च कर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने फेडरेशन बना था तो 5,000 रुपए दे तो मेरे वापस करो। तो भाई साहब ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये चंदा आप दे रहे हैं आंदोलन को चलाने के लिए, हाँ हिसाब लीजिए वो जरूरी है। तो ये भी कोई आगे जाकर के परेशान ना करे, इसलिए ये क्लोज अपने डाला है इसके अंदर। दूसरा फंड्स के यूज के लिए या तो गवर्निंग बॉडी हम नहीं होंगे सर उसके अंदर, जो आप नाम देंगे वो होगी गवर्निंग बॉडी, वो तय करे कि इसका खर्चा कैसे करना है। अगर सबके आम सहमति तो बेटर, अदरवाइज कम से कम 2/3 मेजोरिटी गवर्निंग बॉडी का ओके करे तो ही फंड्स का यूज हो, अदरवाइज ना हो। दूसरा जब कोई बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि दिल्ली में ही कोई प्रोग्राम रख दिया, वहां व्यवस्था करनी है किसी को गवर्निंग बॉडी को, तो उसके अंदर लिमिटेड लोग, आज जैसे उनको डीसीपी ऑफिस जाना है परमिशन के लिए और किसी ऑफिस में जाना है, तो खाली उनको जो है यात्रा भत्ता और आप दूसरे खर्चे दें, बाकी जब भी मीटिंग वगैरह कोई भी होती है तो वो सब अपन अपने खर्चे से ही आएंगे और इस महासंघ के पैसे की तरफ नजर नहीं डालेंगे। अनुशासन और अनुशासन समिति, ये भी अपने को नाम सेट करने पड़ेंगे कि कल को कोई आदमी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, गलत प्रेशर डाल रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अनुशासन समिति का गठन हो जिसमें 4 या 5 आदमी को अपन शामिल करें और वो कमेटी हमारे हर क्रियाकलाप के ऊपर नजर रखे, जहां पे भी कोई भी आदमी हमारी लाइन से हटके जा रहा है वहीं चेक करे, प्लीज सर सहमति पत्र का एजेंडा ये है, आप इससे बाहर जा रहे हैं, मेहरबानी करें आप। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे जाकर के उनको इस महासंघ से अलग करने की कार्रवाई भी करी जाए। एक इसके अंदर विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन होते हैं इसमें कई प्रकार की लीगल कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती है, तो हम शुरू करें तो जो भी हमारा एक विधि प्रकोष्ठ, जिसमें मेरा विचार ये कहता है कि कम से कम 5 लर्नेड एडवोकेट्स उसमें शामिल किए जाए, वो भी जब हम कोई फाइनल डिसीजन लें तो उनको भी बुला के पूछें कि साहब ये हम स्टेप लेने जा रहे हैं, इसमें कोई गैरकानूनी चीज तो नहीं है, और वो हमको क्लियरेंस दे देवे, या फिर आगे जाके कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो वो उसको संभाले। एक पिछली बार आया था पिछली मीटिंग में कि एक आईटी सेल भी होनी चाहिए, भाई यस बहुत जरूरी आज के जमाने के अंदर, शायद मलिक साहब का ही पॉइंट था ये कि आज के टाइम पे जो भी आप कर रहे हैं इसका प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो मिथ्या प्रचार करने वाले हैं, जो गाल बजाने वाले लोग हैं, वो ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं आज के जमाने के अंदर। तो हमें भी अपना एक आईटी सेल स्थापित करते हैं, जो भी आज की तारीख के अंदर लोकेंद्र सिंह साहब, शिवानंद सिंह जी का फोन आ रहा है, प्लीज अटेंड करें, शिवानंद सिंह जी शायद वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फोन कर रहे हैं, प्लीज उनको अटेंड कर लें, आप फोन करके कॉल कर दो। आईटी सेल में हमारे बड़े बड़े फ्रंट काम कर रहे हैं, हमको पता है कि किसका प्रभावी नॉलेज है, तो उन लोगों से शिवानंद जी आप जो नहीं कर पा रहे फ्रेंड से इसका नाम ले लीजिए, आप इसका नाम ले लीजिए, तो वो एक कम से कम आप अपना व्हाट्सएप खोलो बन जाए, तो टाइम टू टाइम जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए आप अपना व्हाट्सएप खोलो, वो हमारा जो प्रवक्ता बनता है व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज, मैं आपको व्हाट्सएप पे तैयार करके देना, तो व्हाट्सएप देते रहे समझाना थोड़ा कैसे करेंगे। एक एक्सपर्ट कमेटी, एक बड़ा सेंसिबल मैटर है ये भी, हम लोग जब भी कहीं पे मीटिंग में या मंच पे बोलने का मौका मिलता है तो ज्यादातर पूर्व सैनिकों का देखा गया है कि वो ये सोच के चलता है कि माइक मेरे सामने आ गया है तो अब तो पूरे विश्व का ज्ञान सिर्फ मुझे ही है कि बाकी तो कुछ अनजान लोग बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए हम हमारे संगठनों में जो भी ORP, MSP, डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशन, वॉर विडोज का पेंशन या हमारे दूसरे जो इश्यूज हैं उनके बारे में जो जानकारी रखते हैं
उनकी एक कमेटी बनाई जाए और कोई कभी ड्राफ्ट वगैरह बनाना तो उनको अपन रिक्वेस्ट करें कि भाई अभी हम इस मैटर पे सरकार के पास अप्रोच करने जा रहे हैं तो आप ड्राफ्ट बना के दीजिए, उसमें हमारी हेल्प करें, अपन उसको फाइनल शेप देवे और फिर संयुक्त एक ज्ञापन बना करके गवर्नमेंट के पास में जाए। तो इस प्रकार से सर ये इन मुद्दों को मैंने शामिल किया है और ये पिछले 5-6 मीटिंग्स जो हुई उनके अंदर जो जो भी पॉइंट आ रहे थे वो भी मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। इस मामले में शंकर साहब ने भी अब स्पोर्ट दिए थे, शायद वो कवर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और एक हिमाचल प्रदेश वाले कैप्टन वर्मा साहब ने दिए थे वो भी कवर है इसके अंदर। और ये फाइनल नहीं है, ये अभी भी खुला है और मैंने इसको जो भी संगठन जुड़े उनके सबकी मेल पे डाला है, इसको प्लीज स्टडी करें डीपली और उसमें क्या और बढ़िया सुधार हो सकता है उसके बारे में अगली फिजिकल मीटिंग हमारी जहां भी हो वहां बैठ करके इसको अपन अभी अंतिम रूप दे दें क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगली फिजिकल मीटिंग अगले 5-6 दिनों में जहां भी अपन रखना चाह रहे हैं तो उस मीटिंग में आने के टाइम पे अभी यहां डिसाइड कर लें कि क्या गवर्निंग बॉडी में ये जो बड़े फ्रंट लाइन का एक हेड और एक डेलीगेट रहेगा या फिर सारे हेड बाहर ही रहे, दो दो डेलीगेट उसमें शामिल करें, वो भी आज ही निर्णय ले लें। और उस फिजिकल मीटिंग में आते हैं तो दो दो नाम लेकर के प्लीज आए जिससे गवर्निंग बॉडी फॉर्म हो जाए और वो शुरू कर दे आगे से, क्योंकि आज मेरा चेहरा ज्यादा नजर आता है, सैगर साहब का आता है, मलिक साहब का आता है, डूडी साहब का आता है, तो लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलेगा कि ये देख लिए ये जो है ना ये प्रधान बनने के लिए और इस वजह से जो है ये आगे चल रहे हैं, मकसद कुछ और है, तो वो फीलिंग्स नहीं जानी चाहिए। और अब हम लोगों को अगली मीटिंग के अंदर गवर्निंग बॉडी फॉर्म करके और उसको कहते रहते हैं कि प्लीज जब आप लीड करें। अब नेक्स्ट मीटिंग अपन डिसाइड करें उससे पहले शायद अपन एक बार सभी भी व्यूज ले लें तो बेटर रहेगा बारी बारी से। लोकेंद्र सिंह साहब आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक एक संगठन की तरफ से आप नाम पुकारते जाइए, वो अपने अपने व्यू देते रहे। ओके थैंक यू सर। डोडी साहब प्लीज ये प्रोसेस कर ले, यू आर मोस्ट वेलकम। सर सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, एक बार क्षमा चाहूंगा मुझे 10 बजे यहाँ घर से निकलना है और पहले एक्चुअली मीटिंग का आईडिया नहीं था, कहीं मैंने 11 बजे का टाइम दे रखा है, 1 घंटा मुझे जाने में लगेगा, तो इसलिए आप प्लीज कंटिन्यू करें, अच्छी वो है, एक अनुरोध है, अगर ठीक लगे तो आगे उसको पर विचार कर लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं, मेरी बात यही रह जाएगी। अनुरोध ये है कि अभी जैसे आप लोगों ने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि काफी संगठन इसमें अब भी नहीं जुड़े हैं, तो एक कॉल कोई भी फिजिकल दें तो प्रयास ये करें वो सारे संगठन को जो भी कॉल उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है या ऑर्गेनाइज उसका सहभागी है तो कम से कम फोन करके या किसी तरह उनको इत्तला देके एक बार बुलाने का वहां प्रयास करें, क्योंकि ये संगठन मान लो आपने महासंघ बना लिया, उसके अलावा मुझे भी ये भी लग रहा है कि आपके महासंघ बनने के बाद एकता वाली बात हो नहीं पाएगी जैसा मुझे दिखाई दे रहा, शायद मुझे गलत दिख रहा हो, क्योंकि काफी बड़े संगठन जो जो मैन पावर ला सकते हैं, हो सकता है बड़ा कोई किसी रूप में किसको मान रहा है, जो संख्या बल ला सकते हैं वो काफी संगठन से अभी इसमें नहीं जुड़े हैं और उनको जोड़ के मान लो एक आपने बना लिया या आपने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया, एक संगठन सपोज करो हम ही बना ले, एक और दूसरा एक और बन गया, अभी एकता कहां हुई, कहीं ना कहीं मान ऐसे आप बना रहे हो सर, ऐसा ही संगठन या इससे ज्यादा लोग और बचे हुए हैं, उनको हो सकता है आप एक तरफ संगठित करें, दूसरी तरफ मैं कोई और अन्य साथी संगठित कर ले, फिर अलग अलग विचारधारा हो जाएगी कि एक संगठन वो है एक संगठन वो है, वही चीज हम नहीं चाह रहे, तो कृपया करके जल्दबाजी ना करके इस पर एक बार चर्चा कर लेना, अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आप कंटिन्यू सर जैसा आप सोच रहे हैं, आपका अकेले का तो है नहीं, आपके साथ और भी संगठन है, उनके जो विचार है उन पर प्लीज कंटिन्यू करना। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो पक्का सारी मीटिंग ज्वाइन करता, सभी साथियों का विचार सुनता, कहीं जाना। डोडी साहब, डोडी साहब आपने प्रश्न रेज किया है तो एक मिनट मेरा बात सुन के जाइए। हाँ जी सर, पिछले पिछले 3 महीने में
कम से कम 3 या 4 वीडियो डाले गए, ऑडियो डाले गए, पोस्ट डाली गई। किसी की तरफ से भी ये सजेशन नहीं है कि मैं भी बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रहा हूं और मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं। हमारे पास में विभिन्न सोर्सों से या जो ग्राउंड पे हम देख रहे थे जो प्लेयर्स हैं उनके जो नंबर थे उनसे हमने कॉन्टेक्ट किया, कुछ अपने आप फॉरवर्ड आए। आपके पास में अगर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट नंबर, वी शेल कॉन्टेक्ट देम एंड वी विल वेलकम देम। सेकेंडली, ये कोई अगर फाइनल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि और संगठन इसमें जुड़ नहीं सकेंगे। आप प्लीज बाकियों को मोटिवेट कीजिए, बड़े से ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आए। शर्त उसमें ये है कि वो एक फ्रंट होने चाहिए, इंडिविजुअल संस्थाएं नहीं। इंडिविजुअल संस्था वो हो जो किसी फ्रंट के साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन उसका जो मेंबरशिप है ऑन रिकॉर्ड वो 2000 से ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज हम हरेक छोटी संस्था को जोड़ने लगे तो गुड मॉर्निंग सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में 100-150 संगठन दम भरते हैं वो कि मैं तो पूरे प्रदेश को लीड कर रहा हूं। उस चीज का प्लीज केयर करते हुए कोई भी आपके संपर्क में है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज उनको आप आगे लाइए। थैंक यू सर। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी ये इस चीज की पहल की गई जो 3 महीने से आप बता रहे हैं तो उसमें पीछे आपने शायद वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमैन या यूनाइटेड फ्रंट को ये बोला था कि जूम मीटिंग का आयोजन कर लिया जाए। एक जो पहली जूम मीटिंग हुई उसमें आप भी शामिल थे, मैं भी था उसमें शामिल, शीशराम यादव जी भी शामिल थे, लेकिन जो सेकेंड जूम मीटिंग हुई उसमें आप लोग नहीं थे। उसके बाद हम आपने जो मीटिंग की जूम मीटिंग की और चीजें उसमें हम उसमें शामिल होना चाह रहे थे, आपने ना वो जगह बताई, हालांकि आपकी मीटिंग की सूचना मिल गई थी जो आपने 25 को की किसी और सोर्स से, तो उसमें ऐसे जाना उचित भी नहीं समझा हमने, नहीं तो उसमें भी आते हम जो आपने मीटिंग बुलाई उससे पहले जो जूम मीटिंग का आयोजन किया गया सर, तो कहीं ना कहीं अलग शायद उससे हो सकता है कि आपको कुछ और दिखाई दे रहा हूँ, मुझे कुछ और दिखाई दे रहा हूँ, यही जो विरोधाभास हुआ है ना किसी भी चीज। डूडी साहब आपने दूसरी मीटिंग का मैसेज देखा था क्या? नहीं मैंने नहीं देखा, बट आपने बताया था मुझे, मैंने उसके बाद भी नहीं देखा सर। आपने बताया उन्होंने ऐसा लिखा है, मैंने गलत लिखा, अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है। अगर उनका कोई सदस्य सुन रहा हो मीटिंग में हो तो मैं उसको ये कहना भी चाहूंगा कि भविष्य में ऐसा ना करे कि केवल अपने अपने संगठन की कोई भी व्यक्ति बात करे, मैंने देखा नहीं है, आपने बताया। सर अपने संगठन को मजबूत करने पे वो अलग करता तो अलग करे, लेकिन मैसेज टाइप का ना डाले। नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर। आज जो बैठे हुए आज जो कल को इतने सारे जो फ्रंट बैठे हुए हैं और अगली मीटिंग का मैसेज डालूंगी ऑल दी मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन एंड द हेड्स ऑफ एफिलिएट एसोसिएशन आर इनवाइटेड, तो आप आओगे क्या उसके अंदर? नहीं आएंगे क्या? ये बोलेंगे हमें थोड़ी प्रेरणा है, इसीलिए 25 वाली में नहीं आया सर, यही कारण, नहीं तो 25 वाली में भी आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन करवाया आज और आगे भी कंटिन्यू करें सर, मैंने अपने विचार रख दिया, अगर ठीक लगे तो मेरी कोई ठीक बात हो तो उसमें से रख लेना, गलत लगे तो उसमें एक तरफ फेंक देना। मैंने अपनी बात एक पेशकश रखी सारे लोग उस पर साथ ही चर्चा करके, क्योंकि संख्या बल की सर रेवाड़ी रैली जो की थी ना उसमें ना तो यूनाइटेड फ्रंट थी, वैसे बाद में साथ दिया वो अलग बात है सर, पुरानी हमारा संगठन भी है ना सर, हमारे अकेला कुछ वो नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है सर, और संख्या बल के हिसाब से हम ये रखते हैं, अगर दिल्ली में प्रोग्राम होगा तो हमें खुद पर और अपने साथियों पर भरोसा है, सबसे ज्यादा संख्या बल हम लेकर आएंगे सबसे ज्यादा। ठीक है सर, नमस्कार, शुभ दिन। मेरे एक निवेदन है, ये मीटिंग लगभग फिक्स करें आगे से भी, एक संडे को, लास्ट संडे के लास्ट में हो तो अच्छा बात है, आज काफी लोग ने इंटरेस्ट दिखाया जिस हिसाब से, और संडे को लगभग सभी फ्री होते हैं और लंबा समय आज ही के दिन मिलता है, शाम को कभी कभी लोग वो हो जाते हैं, इधर संडे को हो कोई, मेरे एक रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। थैंक यू, सो थैंक यू सर, बाय द परमिशन ऑफ द चेयर, अभी आज का जो प्रोसीड चला उसमें पिछली मीटिंग का अपन ने समीक्षा किया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे डिटेल के अंदर अपन ने बातचीत करी जिसमें करीब करीब सभी का सहमति था प्रकट हो रहा है,
लेकिन मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी की मेल के ऊपर मैंने डाला हुआ है, प्लीज उसका प्रिंट आउट लेके उसको स्टडी करें और अभी भी उसमें सुधार का काफी गुंजाइश मैं समझता हूँ। तो मेहरबानी करके जो भी आपके अच्छे सुझावों को दे और नेक्स्ट मीटिंग जब हमारा फिजिकल होगा तो मैं लोकेंद्र सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक्स्ट्रा लैपटॉप का उधर अरेंजमेंट रहे उसके ऊपर, तो जो भी सुझाव उस दिन वो रास्ते हैं इसको सुधार करने के लिए वो अपडेट करके प्रिंट लेके वहाँ पे हाथ के आते कम से कम हम वहाँ पे साइन करके उठे, जिससे एक हमारे लिए गाइड करने के लिए हमको एक विधान कम से कम हमारे हाथ में आ जाए। दूसरा फिर पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्निंग बॉडी के लिए दो दो नाम उस दिन लेकर के आए, तो उस दिन अपन गवर्निंग बॉडी को भी फाइनल करेंगे और उस पर विचार कर ले। ये फाइनल नहीं है कि किन किन को उसमें रखना चाहिए, क्या उसके अंदर ये जो मोर्चे जुड़ रहे हैं उनके हेड होने चाहिए या फिर इनको भी बाहर रखते हुए प्योरली एक या दो आदमी हर एक संगठन से हो, तो वो जैसे भी आपकी राय हो उसके हिसाब से उस दिन दो दो नाम लेके आए आप। तो अगर आप सभी सहमत होंगे कि एक एक रखना तो एक एक रख लेंगे, अगर वह दो दो नाम शामिल करके और एक गवर्निंग बॉडी उस दिन अपन फॉर्म करेंगे। अभी वेन्यू का मैटर था वो शायद रिजॉल्व है क्योंकि सीपी सिंह साहब और नंदन राव साहब ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, तो आज या कल के अंदर वो अपने को वेन्यू बता देंगे तो सबको कन्वे कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ दो दो आदमी उसमें आने का कोशिश करें, क्योंकि वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट है 20 का, आ जाएंगे 50 फिर शिकायत होगी कि हमें तो बैठने का ही मौका नहीं है। दूसरा अगर लंच वगैरह की व्यवस्था करती है की जाती है तो जो भी वहाँ के आयोजक होते हैं उनकी बड़ी समस्या होती है। 25 तारीख की मीटिंग में ये एक्सपीरियंस किया गया कि हमने मैक्सिमम फिगर रखे थे 25 के और एक संस्था दो के बजाय 20-25 लेके आदमी वहाँ पहुँच जाती है, तो डेफिनेटली जो आयोजक होता है उसके लिए बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अब मैं 25 के बजाय 50 का खाना कहाँ से लाऊँ। एंड थैंकफुल टू एडवोकेट सीपी सिंह साहब एंड पी सिंह जी कि इन लोगों ने फिर भी शॉर्ट टाइम के अंदर मैनेज किया। तो प्लीज सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अपन दो दो आदमी ही उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे। जो दूर के साथी हैं जैसे शिवा मैक्रो साहब आए हैं फेडरेशन ऑफ केरला से, कॉन्फेडरेशन से, और शिवा मैक्रो साहब अगर आप अभी भी लाइन पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्फेडरेशन आप इसको आगे से ज्वाइन करें और हम जो अभी तक 8-10 ग्रुप है उसमें आपका जो कॉन्फेडरेशन ऑफ केरला है उसको भी हम कर रहे हैं आपसे। कॉन्फेडरेशन ऑफ जीसीजोआर केरला है इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो उसके यहाँ पे आप और एक और आपका दो साथी आप उसको रिप्रेजेंट करें। और जाहिर है कि हम आपको बार बार इतनी दूर से नहीं बुलाएंगे फिजिकली, तो आप प्लीज ऑनलाइन उस दिन जुड़े। पक्का सर, पक्का सर। और अब लास्ट में बच जाता सर नेक्स्ट फिजिकल मीटिंग का डेट, तो जो भी दूर बैठे हुए उनको छोड़ करके बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ के जो भी संगठन भी आगे आए हैं वो उनसे तो जरूर रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज टाइम निकाल करके उस दिन फिजिकली पहुंचे। तो ये भी डिमांड आ रहा है कि भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। अगर आप सभी सहमत हो तो नेक्स्ट सैटरडे 6 जनवरी को क्या हम फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं? ओके, एमपी सिंह साहब डन। जोगेंद्र सिंह साहब जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर डन। मैक्रो सर 6 तारीख ठीक है, प्लीज बी कन्वीनियंट ऑन दैट डेट। और दूसरे साथी लोकेंद्र सिंह सर, रतन सिंह सर जी सर बिल्कुल ठीक। ओके सर, सीपी सिंह साहब और रावत साहब डन सर डन। ओके ओके सो ठीक है सर, बाय द परमिशन ऑफ द चेयर आई डिक्लेयर दैट नेक्स्ट वी आर मीटिंग ऑन द 6th
एट द वेन्यू डिसाइडेड बाय द सीपी सिंह जी रावत साहब, जो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा डूडी साहब से मेरा फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अगर कोई ऐसा फ्रंट है जिसके पास में 2000 से ज्यादा का मेंबरशिप है तो प्लीज हमें नाम दे, डेफिनेटली हम आपको वेलकम के साथ में इन्वाइट करेंगे सर। ठीक है सर। नाउ मैं चाहूंगा कि आज के चेयरमैन साहब अपना कंक्लूडिंग स्पीच दें और समापन की घोषणा करें। सर मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा प्लीज आपकी परमिशन से, कि अगर उस दिन मीटिंग में हमने जैसे केरला वाली टीम को जोड़ना है उस पर्पस से एक एक्स्ट्रा माइक और प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर वाईफाई का कनेक्शन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए अगर हम जूम की तरह से लिंक देते थे तो वो हमारे पास सामने नहीं आ पाते, हम उस प्रोजेक्टर पर रखेंगे तो वो वहाँ पर उस समय हमारे सामने विजिबल होंगे जो जुड़ेंगे और वो सीधे वहां से विचार रखेंगे तो सबके सामने वो डिस्कस हो जाएगा। और अगर सर प्रोजेक्टर की बजाय जैसे उस दिन एक मॉनिटर को लगा हुआ था वो सफिशिएंट नहीं रहेगा क्या? हाँ वो ओके यस। तो रावत साहब प्लीज इसका भी थोड़ा सा ध्यान में रखें सीपी सिंह साहब से बात करके। जैसे सर जहां पर हम कराएंगे वहां पर वाईफाई तो है, लेकिन वाईफाई है, वाईफाई समस्या नहीं है। और जो रोड जो है ना जहाँ पर लास्ट टाइम सीपी सिंह साहब ने करवाया था उसी पुल के ठीक सामने मणिपाल हॉस्पिटल है सर। एक जहाँ पे आप करो सर, जैसे उस दिन उनके हॉल के अंदर एक बड़ा मॉनिटर लगा हुआ था, हाँ हाँ, उससे वो नितिन ने ऐड कर दिया था तो अपने को पता चल रहा था कि कौन बाहर का ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। जी 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 ठीक है, ऐसे टीवी तो हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ प्लीज चेयरमैन सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी मीटिंग रही। और इसमें कुछ पॉइंट मैं अभी कंक्लूडिंग में जो मैंने सबकी बात सुनी है मैं बताना चाहता हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर आ रही है, बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले तो जो भी नेशनल प्रेसिडेंट बनेगा वो 51 मेंबर्स जो हैं अलग अलग ग्रुप्स के हैं नीचे लेवल से, क्योंकि संगठन हमेशा नीचे पकड़ के चलता है। मैं अपने संगठन को ग्राउंड लेवल से ही चलाता हूं, ऊपर लेवल से नहीं चलता है, हमारा ग्राउंड से चलता है। तो वही सिस्टम मैं चाहता हूं, जो 51 का हमारा मेंबर्स जुड़े हैं इस बॉडी में वही पूरा विचार करके, अगर उनके विचार नहीं मिलते हैं तो उनसे हम इलेक्शन करा लेंगे, जो भी फाइनल होगा वो हमें आगे मान होगा। एक काउंसिल एक बना है राज्यसभा की तरह, उसमें पास होगा वो बिल, पास होकर फाइनल साइन प्रेसिडेंट करेगा, जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो एक समय के लिए हो कि 6 मंथ या 1 ईयर जैसे भी है, हर इवेंट के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए तो और बेटर है कि उसको उस इवेंट की जानकारी होगी। तो इस तरह से एक साफ सुथरा सिस्टम और सबके विचार आएंगे उसमें, वो काउंसिल में जब संगठन बढ़ेंगे, पूरे भारत के बहुत सारे संगठन हैं, करीब 700 संगठन हमारे साथ चल रहे हैं पूरे भारत में, ये बढ़ते रहेंगे तो हम चांस रखेंगे काउंसिल को भी इनलार्ज कर सकते हैं। और जैसे इनलार्ज करेंगे तो उसमें हमारा आपस में मतभेद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बंधे हुए हैं हर छोटे संगठनों से। तो मैं चाहूंगा एक पारदर्शी साफ सुथरी छप वाली सिस्टम वाली और एक सॉलिड हमारा ये यूनाइटेड एक फ्रंट बने जो कि भारत में सबसे बड़ा फ्रंट हो, सबको इसमें जोड़ना है, कोशिश ये कोई ना बचे, सबकी विचारधारा करके और प्रॉपर एक कंडीशन होगी कि उसमें फाइनल वोटिंग से जिसका होगा वो बात मानी जाएगी। ये मेरा विचार है, पर्सनल विचार है जो मैं डाल रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दें। और बाकी जो भी टीम प्रोग्राम आज हुआ है, जिन्होंने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये केरला से जुड़े, कल से मैं इनसे कांटेक्ट में था, ये काफी हमसे टच थे और बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं, इनके पास काफी रिसोर्ट भी है, उसमें बिजी रहते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सीएमपी से हैं और बहुत ही साफ दिल के आदमी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनका बहुत बड़ा सहयोग मिलना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए केरला से, और इस तरह से एक बहुत बड़ा मंच बनेगा, जो फ्रंट बनेगा जिसमें कि सब लोग शामिल हों, सबके विचार सम्मिलित हों, उसे निचोड़ करके जो निकल आए उसी पर हम लोग मूवमेंट करेंगे, ये मेरा विचार है। थैंक यू, धन्यवाद जितने लोग जुड़े। फिर हम अगले जो मीटिंग में मैं समझता हूं जो भी होती है उसमें अपनी काउंसिल तैयार हो जानी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शंकर सर, और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही आज की, काफी अपन ये कह सकते हैं कि एक कदम आगे आज भी अपन बढ़े हैं। और 6 तारीख को जैसा चेयरमैन साहब कह रहे हैं
कि उस दिन हम लोग कॉमन मिनिस्टरों को फाइनल करके और सहमति पत्र पे साइन करके और इसको अंतिम रूप दे देंगे और उसी हिसाब से अपना आगे बढ़ेंगे। आप सभी मीटिंग के लिए जुड़े, अपना कीमती टाइम दिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर इसको लाइव करना है क्या? थैंक यू, जय हिंद। यस 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 सर, चेयरमैन सर सबकी परमिशन से सर इसको लाइव कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल 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 होना चाहिए सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। संचालक में कोई कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा। जय हिंद, जय भारत।